अब गाइस बताइए कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब कुछ प्रॉपर है ना? सो शैल वी स्टार्ट? सिंक्रोनाइज है ना? चलो तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। अभी आई थिंक बहुत सही तरीके से अभी मैच हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। ये एक लाइव सेशन है, ठीक है? सो इस लाइव सेशन में आप लोगों को अब मैं क्या करवाने वाला हूँ, लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? लास्ट टाइम तक हम लोग फ्रुंडलिच का आइसोथर्म पढ़ चुके थे। और आप लोग याद करो, सिर्फ मैंने फ्रुंडलिच आइसोथर्म नहीं करवाया था आपको, मैंने उसके साथ साथ टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी करवाई थी कि एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। एट द सेम टाइम मैंने आपको वहां पर किस तरह से एड्सॉर्बेट का नेचर एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करता है वो भी करवाया था। तो आज आप लोगों को मैं दो पर्टिकुलर टॉपिक क्लैरिफाई करूंगा। एक तो हम लोग यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखो, एक तो हम लोग यहां पर क्या देखने वाले हैं, लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखने वाले हैं, ठीक है? एक तो लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखने वाले हैं। दूसरा, एक चीज का जवाब मैं और दूंगा कि कल हम लोगों ने कहा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का जितना ज्यादा हो, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का जितना ज्यादा हो, ठीक है, उतना ही आसानी से वो गैस लिक्विफाई होती है, और एट द सेम टाइम, ठीक है, उतना आसानी से लिक्विफाई होती है और उसका एड्सॉर्प्शन भी आसान होता है। सो कल मुझसे एक सवाल किसी ने पूछा था, ठीक है, तो वो दोनों चीजों का मैं जवाब दूंगा, तो ध्यान से उसको देखना, ठीक है? सो चलो गाइस फटाफट से सबसे पहले लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखते हैं। सो एज यूजुअल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म लैंगमुइर का मैच करता है, मतलब स्टेटमेंट तो ओवरऑल वही है जो कि फ्रेंडलिच ने कहा था, लेकिन उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो थोड़े डिफरेंट है। अगेन यहां पर लैंगमुइर आइसोथर्म भी यही कहता है कि जो पार्ट एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्ब होता है कहां पर, एड्सॉर्प्शन के एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर, एक्चुअली वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। इट्स रियली वेरी सिंपल। लेकिन देखो, लैंगमुइर ने जब अपना आइसोथर्म दिया था तो वहां पर क्या थे, वहां पर कुछ ना कुछ क्या थे, कुछ ना कुछ वहां पर एजम्पशंस थे, तो वो हमें सबसे पहले पढ़ने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये क्या कहता है, ठीक है? सो अब जरा ध्यान लगाना फटाफट से। नाउ लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत अच्छे तरीके से देखना। इसने क्या अज्यूम किया था लैंगमुइर ने? लैंगमुइर ने अज्यूम किया था कि जब भी एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर, जब भी एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर बनाएगा। ये एड्सॉर्प्शन का उसका अजम्पशन था, किसका, लैंगमुइर का, जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसने अपने अजम्पशन को मानते हुए कैलकुलेशंस की थी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको बड़े ध्यान से आप देखना। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि एक्चुअली लैंगमुइर का आइसोथर्म क्या था। उसका अजम्पशन तो आपने देख लिया। उसका अजम्पशन क्या है कि यहां पर जो एड्सॉर्बेट है वो सिर्फ एक ही लेयर बनाएगा सरफेस पे। उसका मतलब मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करो। देखो, अब सब लोग अपनी कॉपी में बड़े अच्छे तरीके से लिखना हो उसको, ठीक है, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज कि हमारे पास है ना ये सरफेस है, ध्यान से उसको देखना, ये हमारे पास सरफेस है किसका, एड्सॉर्बेंट का। नाउ दिस इज एड्सॉर्बेंट, मैं लिख देता हूं, ये है एड्सॉर्बेंट, ओके, और ये जो एड्सॉर्बेंट है ये उसका सरफेस है, और सरफेस पर पार्टिकल्स आके चिपकेंगे। मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई देखो, इसमें यहां पर थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस बनाते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो ये ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से उसको देखो, ये स्पेसेस हैं सरफेस की जिसको अपन यू दिखा देते हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब होंगे, ओके। सो ध्यान से इसको चेक करते रहना। तो ये सरफेस पर जगह है जिसपे आके एड्सॉर्ब होंगे। अब मान लेते हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स आए, ठीक है, बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आए, ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, ध्यान से उसको चेक करना, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं जो कि इस गैस के इस पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्ब होने वाले हैं। नाउ दीज आर गैसेस पार्टिकल्स, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, इसके लिए कोई आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है, इट्स रियली वेरी सिंपल। ध्यान से देखो, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सरफेस पर आके एड्सॉर्ब होंगे, ओके। अब देखो मजे की बात क्या है, यहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ध्यान देना, यहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चलते रहता है। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं बच्चों, जो यहां पर एक्चुअली बोर्ड एग्जाम की अपने नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे ना, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो यहां पर आप लोग फोकस करो, जो सिर्फ पढ़ने आए ना, जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं वो बोर्ड पे ध्यान दो,
और प्लीज जो पढ़ने नहीं आए, जिनको अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, जो यहां से चले जाओ ज्यादा अच्छा है। सिर्फ पढ़ने वाले लोग जो यहां पे ध्यान दे रहे हैं वो ध्यान दो, ठीक है। सो चलो देखो यहां पर बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एड्सॉर्प्शन, ठीक है, एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, एंड डिसॉर्प्शन कंटिन्यूअसली चलते रहता है अकॉर्डिंग टू लैंगमुयर। भाई यहां पर गैसेस मॉलिक्यूल्स नीचे भी आएंगे और इन पर्टिकुलर स्पेसेस में घुस भी जाएंगे इस तरह से, ओके। ये देखो ये नीचे आए और इन पर्टिकुलर स्पेसेस पे आके जगह भी बना ली, इट्स फाइन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आए, मतलब आ रहे हैं और इसके अंदर जा रहे हैं तो मतलब एड्सॉर्प्शन हो रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएं, मतलब उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब यहां पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों होते रहता है। ये तो फैक्ट है भाई, यहां पर एड्सॉर्प्शन होगा तो डिसॉर्प्शन भी साथ ही पैरेलल ही होगा। अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू लैंगमुयर उसने ये माना कि लेट अस सपोज यहां पर n साइट्स हैं जहां पर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो सकते हैं, देयर आर n साइट्स जहां पर एड्सॉर्प्शन हो सकता है, ध्यान देना। सो यहां पर n साइट्स हैं जहां पर एड्सॉर्प्शन हो सकता है, एड्सॉर्प्शन पॉसिबल है, ओके। तो यहां पर n साइट्स उसने मान ली। अब बहुत ध्यान से फोकस करना, यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं लैंगमुयर का आइसोथर्म कि उसने क्या किया था। और अगर आपने ये समझ लिया, यस एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, ये तो मैंने पहले ही करवाया था, एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, एड्सॉर्ब हो सकता है तो डिसॉर्ब भी हो सकता है। आया सबको समझ में? अब ध्यान दो, अब जो मैं करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस पर आपकी गैस एड्सॉर्ब हो सकती है तो डिसॉर्ब भी हो सकती है, और एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों के दोनों फिनोमिना वहां पे चल रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लैंगमुयर उसने क्या कहा, यहां पर n साइट्स हैं जो अवेलेबल है। टोटल साइट्स कितनी है? टोटल साइट्स उसने n मान ली जहां पर आपका एड्सॉर्प्शन हो सकता है। इसको बहुत ध्यान से समझना, टोटल n साइट्स हैं जहां पे एड्सॉर्प्शन हो सकता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब आप जरा सोचो, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे एड्सॉर्प्शन की, क्योंकि यहां पर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पढ़ रहे हैं, एड्सॉर्प्शन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फिर डिसॉर्प्शन की बात करेंगे। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे। अब आप खुद से सोचो कि एक्चुअल में एड्सॉर्प्शन किस किस चीज पर डिपेंड करता है। आप जरा सोचो, गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ये जो गैस है हमारे पास, इसको ए गैस बोल देते हैं, ए गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, प्रेशर पीए ले लेते हैं, ए गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एड्सॉर्प्शन के केस में आई कैन इजिली से दिस थिंग, मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आर ओ ए, द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर बनाया जाएगा, एंड द रेट ऑफ द एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। दैट्स इज रियली वेरी सिंपल, ओके। नाउ अब देखो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए, एंड एट द सेम टाइम आप खुद से सोचो एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा जितनी साइट्स अवेलेबल होंगी। खुद से सोचो, अगर मान लो यहां पे साइट ही अवेलेबल नहीं है तो क्या एड्सॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर एड्सॉर्प्शन साइट पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना, दैट द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइट्स। सरफेस पर कितनी साइट अवेलेबल, सिंपल सी बात है भाई, यहां पर जितनी साइट अवेलेबल होंगी वहीं पर एड्सॉर्प्शन होगा। जो साइट भर चुकी है, जैसे ये वाली भर चुकी है 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर एड्सॉर्प्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही कह चुका है ये सारा का सारा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्चुअली क्या है, मोनो लेयर में बनेगा, मतलब एक ही लेयर बनाएगा एड्सॉर्प्शन, ओके। ये अजम्पशन उसने मान के चला था। तो आप खुद से ही सोच लो कि यहां पर जो एड्सॉर्प्शन है वो भरी हुई साइट में तो होगा नहीं, इसका मतलब जो अवेलेबल साइट है या खाली साइट है उसमें होगा। और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइट, जितनी साइट अवेलेबल होंगी उस पे। अब बताओ टोटल साइट कितनी है, n। अब सवाल है कि अवेलेबल साइट कितनी है, अगर n टोटल साइट है तो अवेलेबल साइट कितनी है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, वी हैव अ वंडरफुल कॉन्स्टेंट ओवर हियर, वेरिएबल सॉरी, हां, एंड दैट इज थीटा। अब आप लोग कहेंगे सर थीटा क्या है, जरा ध्यान से समझना, आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्स्टेंट
Now look at it, that is theta, the value of new variable, sorry, huh? So this is a value theta. अब ये theta क्या है उसको जरा समझ लें हम लोग, बहुत ध्यान से समझना, मैं इसको revise करा दूंगा, पर पहले ध्यान से आप देखो, okay? So यहाँ पर हमारे पास सवाल ये है कि available side कितनी है, तो total side तो बच्चों n थी, वो मैंने आपको बता दिया, बट टोटल साइट तो अवेलेबल नहीं होंगी. अब सवाल है कि अवेलेबल साइट कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक और वेरिएबल है थीटा. अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है उसको समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा. दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे टोटल साइट्स, टोटल साइट्स, ओके, और न्यूमिनेटर में लिखोगे साइट्स ऑक्यूपाइड, साइट्स ऑक्यूपाइड. अब आप खुद से सोचो, दिस रेशियो इज कॉल्ड थीटा, भी कितनी साइड ऑक्यूपाइड कर ली गई हैं डिवाइडेड बाय टोटल साइड कितनी है, इस रेशियो को हम लोग थीटा बोल रहे हैं. और अभी मैंने कहा कि टोटल साइड तो एन है, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल्स टू साइड्स ऑक्यूपाइड, ओके, साइड्स ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल साइड कितनी है एन, वो वैल्यू रख दी मैंने. तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ कि साइट ऑक्यूपाइड कितनी हुई है, तो यहां पर निकाल लो साइट्स ऑक्यूपाइड, ध्यान से समझना, साइट कितनी ऑक्यूपाइड हुई है, विच इज इक्वल टू थीटा इंटू एन, यस और नो, इट्स रियली वेरी सिंपल, दैट इज थीटा इंटू एन. टोटल साइट कितनी है उसमें से साइट कितनी ऑक्यूपाई की गई है, दैट इज कॉल्ड थीटा. और इसको आप कंपेयर कर सकते हो फ्रुडलिच की एक्स बाई एम वैल्यू से, इसको आप कंपेयर कर सकते हो फ्रुडलिच की एक्स बाई एम वैल्यू से. बच्चों एक्स बाई एम भी तो वही था जो थीटा कह रहा है. एम माने मास कितना है सरफेस का या फिर एब्जॉर्बेंट का, एंड एक्स क्या है, दैट इज सॉल्यूट ने कितना कवर किया, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एंड एक्स बाय एम इज डायरेक्टली इक्वल्स टू थीटा इन द केस ऑफ लेंगमुयर. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सो यहां पर एक्स बाय एम इज इक्वल्स टू थीटा है, वो थीटा का मतलब क्या होता है, साइट ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल साइट, टोटल साइट कितनी है एन, वो वैल्यू मैंने रख दी, तो साइट ऑक्यूपाइड कितनी आ गई, थीटा एन. अब सवाल ये है कि अगर साइट ऑक्यूपाइड थीटा एन है तो बताओ कितनी साइट बची. अब आप ध्यान से इसको देखो, यहां पर लिखा है अवेलेबल साइट्स, ध्यान से समझो, और वो हमें निकालना है, तो उस पर फोकस करो, लाइव चल रहा है, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है. So, यहां पर देखो, सो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अब देखना हमें अवेलेबल साइट कितनी है, तो बताओ टोटल साइट कितनी थी n, n में से आपने कितनी ऑक्यूपाई करवा दी n थीटा. सो अगर n में से n थीटा निकाल दूं तो इसका मतलब मुझे अवेलेबल साइट मिल जाएगी. दिमाग लगाओ भी, टोटल जगह थी n, इस पूरे सरफेस पर टोटल जगह थी n, और उस n में से आपने ऑक्यूपाई करवा दी n थीटा. सो n में से अगर आपने n थीटा निकाल दिया तो आपके पास अवेलेबल साइट आ जाएंगी, यस और नो, इट्स रियली वेरी सिंपल, ओके. सो अब जरा ध्यान से इसको देखो, इसको मैं यू भी लिख सकता हूं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n 1 माइनस थीटा. अब इसको नोट डाउन करते रहना. तो अब जरा ध्यान से देखो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस, फर्स्ट वन, मैं इसको बंद कर रहा हूं बॉक्स में. And the rate of the gas is actually depends upon the available site also. So we have two factors right now. कि rate of adsorption एक तो pressure पे depend करता है और दूसरा rate of adsorption depend करता है कि भैया available site कितनी है. सही बात है. तो अब जरा ध्यान से इसको देखो, इसको मैं यू भी लिख सकता हूं combined way से. तो combined way से मैं color change करके लिख देता हूं. So rate of adsorption is directly proportional to, एक तो आ गया pressure PA और दूसरा आ गया available site ये वाली, ठीक है, इंटू एन वन माइनस थीटा. बहुत ध्यान से देखो, एज यूजुअल मैंने आपसे कहा था कि एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन पैरेलली चलते रहते हैं, और जो एड्सॉर्प्शन है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पीए इंटू एन वन माइनस थीटा. ओके, अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कुछ नया कॉन्स्टेंट लगाओगे, एंड रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के केस में अपन कॉन्स्टेंट ले लेते हैं के ए, एड्सॉर्प्शन कॉन्स्टेंट. ओके, अब ये किसके बराबर होगा, के ए इंटू पी ए इंटू एन वन माइनस थीटा, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस करो कि क्या हो रहा है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर ये हमारे पास निकल गया रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख दी. सब लोग बहुत ध्यान से देखो कि यहां क्या हो रहा है, और रियली बहुत इंपॉर्टेंट है.
अगर आपने देख लिया तो आपको यहां से फ्रूडलिच वाला आइसोथर्म भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रूडलिच वाला आइसोथर्म भी यहां से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फोकस करो कि यहां क्या लिखा जा रहा है। इट्स रियली वेरी सिंपल। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा प्रेशर ऑफ द गैस एंड रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा अवेलेबल साइट पे। अवेलेबल साइट कितनी थी? टोटल साइट में से ऑक्यूपाइड साइट निकाल दी तो अवेलेबल साइट आ गई हमारे पास। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वो पीए इंटू एन इंटू वन माइनस थीटा के इक्वल। थीटा क्या होता है? थीटा एक्स बाई एम के बराबर है। ये देखो थीटा की वैल्यू, साइट ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल साइट। इट्स रियली वेरी सिंपल। आप फ्रूडलिच के थ्रू इसको आप एक्स बाई एम से भी कंपेयर कर सकते हो। इसका मतलब थीटा सीधे आपको एक्स बाई एम की वैल्यू बता रहा है, नथिंग एल्स। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो यहां पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने निकाल लिया। अब आप देखो अगर हमने रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन निकाल लिया है तो यहीं से हम लोगों को रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी देखना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जरा फोकस करना। ओके, नाउ रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब रेट डिसॉर्प्शन का मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दोनों पैरेलली चल रहे हैं। मैं इसको इस तरफ दोबारा लिखता हूं, जरा ध्यान से समझना इसको जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहां पर एड्सॉर्प्शन, ओके, एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन पैरेलली चलते हैं रिवर्सिबली। ओके, एड्सॉर्ब भी होने लगता है, डिसॉर्ब भी होने लगता है, ये दोनों चलते रहते हैं। अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए एड्सॉर्प्शन कॉन्स्टेंट के ए बोल दिया, डिसॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए डिसॉर्प्शन कॉन्स्टेंट आप के भी बोल सकते हो। जो k का यूज तो मैं पहले कर ही चुका हूं, ये देखो ये k का यूज मैं कर चुका हूं। नाउ विल टॉक अबाउट रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब आप बताओ कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? आप खुद से सोचो, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि भैया कितनी साइट भरी हुई है जहां से डिसॉर्प्शन होना है। खुद ही सोचो, यहां से आपको जगह खाली करनी है। अगर आपको बोलो कि चलो खाली करवाओ तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि भैया यहां पर कितनी साइट है जो भरी हुई है। तो एक्चुअली खाली कराने का जो रेट है वो भरी हुई रेट पे डिपेंड करता है। मान लो आपको बोला आपके, आप एक बहुत बड़े गुंडे हो सपोज, अगर आपको बोला कि भैया जाके वो कॉलोनी खाली करवाओ, तो आप पूछोगे भाई कॉलोनी में कितने मकान है। आपकी रेट ऑफ खाली करवाना डिपेंड करेगा कि कॉलोनी में मकान कितने हैं। इसी तरह से यहां पर रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि यहां पर टोटल ऑक्यूपाइड साइड कितनी है। समझ में आ गया? तो टोटल ऑक्यूपाइड साइड कितनी है, वो कितनी थी अभी निकाली थी। देखो साइट ऑक्यूपाइड थीटा एन, आपकी रेट ऑफ डिसॉर्प्शन थीटा एन पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन थीटा। कितनी भरी हुई हमारे पास साइट्स हैं, एक्चुअली रेट ऑफ डिसॉर्प्शन उस पर डिपेंड करेगा। और एक्चुअली रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन थीटा, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं कि साइट ऑक्यूपाइड कितनी थी, एन थीटा। ये देखो नीचे नीचे, So, ये हमने यहां पर लिख दिया एन थीटा। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज के बी इंटू एन इंटू थीटा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबसे कह रहा हूं नोट डाउन करो। नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन आपस में क्या सीन है इनका। और ओवरऑल हमने रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी निकाल लिया है, ये रहा आपके सामने, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी निकाल लिया है, ये दोनों आपके सामने रखे हुए हैं। सबको क्लियर हो गया यहां तक? सब लोग। मैं इससे आपको मजे की बात है कि फ्रूडलिच का आइसोथर्म और लैंगमुइर दोनों आप इसे प्रूव कर सकते हो। समझ में आ गया? सो आप इसको नोट डाउन करो, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप खुद से सोचो, एक वक्त ऐसा आएगा जब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को बराबर कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो ये वाला कॉर्नर जिस पे डायग्राम बना के रखा हूं इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है? तो अब जरा ध्यान से देखना है इसको। तो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से उसको चेक करना भाई, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से इसको हटा रहा हूं और मैं अब आपको रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों को इक्वल करके आपको फाइनल, आपको यहां पर फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं लैंगमुइर का। नाउ व्हाट इज द फाइनल, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी प्रिंस, फ्रूडलिच भी करा दूंगा, वो इसी के अंदर ही आएगा। तो फाइनल आपको मैं अभी लैंगमुइर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं। अब आप काम करो, इक्विलिब्रियम के टाइम पे मैं नीचे लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जैसे ही आएगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा। सही बात है? अब आप एक काम करो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों को बराबर रख दो। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये रही, मैं ऊपर ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के ए, ये रहा, जरा ध्यान से देखो, के ए
साथ में आ रहा है पी ए, ओके पी ए, और साथ में आ रहा है एन वन माइनस थीटा। ध्यान से देखना, ये है रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, ये रे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है के बी एन थीटा, यस और नो? इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया। अब ध्यान देना, यहां से ये एन से ये एन कैंसिल हो गया, एन से ये एन कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, देखो मैं कर रहा हूं इस के बी को इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो फाइनली यहां पर हुआ के ए अपॉन के बी, ओके इंटू पी ए यहां पर पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, सही है, और विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा। ये देखो उसको मैं वहां ले गया, कितना आसान है, देखो के ए अपॉन के बी, इस के बी को मैं यहां नीचे लेके आ गया, पी ए थीटा अपॉन वन माइनस थीटा, बहुत नजदीक पहुंच गए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने वाला है। सो फाइनली अपन के अपॉन के बी, ये क्या है, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो उसको एक नया कॉन्स्टेंट नाम दे दो। तो फाइनली इसको बोलते हैं कंबाइंड बेसिक के, ओके क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट है, रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, तो नया कॉन्स्टेंट नाम दे दिया। साथ में लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ अ गैस विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा, ओके अब आप एक काम करो, हमें तो थीटा चाहिए, हमें थीटा चाहिए, क्यों, याद करो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एम, एक्चुअल में फ्रुंडलिच का जो आइसोथर्म था वो भी एक्स बाई एम ही था, तो हमें एक्स बाई एम की जो रिलेशन है वो प्रेशर से निकालनी है, इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहां से निकालने के लिए थीटा क्या करेंगे, इसको पहले उल्टा कर दो, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा वन माइनस थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन के इंटू पी ए, उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया और यहां ले आया और उसको वहां ले गया। सो फाइनली क्या बन रहा, देखो इसको उल्टा कर दिया और इसको यहां लेके आ गया, तो वन माइनस थीटा अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन के इंटू पी ए, इजंट इट? अब ये थीटा क्या होता है, मैं पहले लिख चुका हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, फाइनली यहां से हटा रहा हूं इसको, ठीक है, ताकि आपको मैं कंप्लीटली सोल्व करा सकूं। तो देखो फाइनली बहुत नजदीक है हम लोग, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है इस इक्वेशन की, तो मैंने इसको हटा दिया, इसको सोल्व कर लो, यहां से क्या बनेगा, अब थीटा को आप क्या करो, डिवाइड करो, तो वन अपॉन थीटा माइनस वन विच इज इक्वल टू वन अपॉन के इंटू पी ए, ओके सो यहां से वन अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन के इंटू पी ए, और साथ में आएगा प्लस वन क्योंकि वन को मैं उधर ले गया, सो यहां से वन अपॉन थीटा विच इज इक्वल टू वन प्लस के इंटू पी ए डिवाइडेड बाई के पी ए, सोल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया के इंटू पी ए, सो ये आ गया, सो ऊपर क्या बनेगा, वन प्लस के पी ए बन गया। सो फाइनली आंसर क्या आया वो मैं इस तरफ लिख देता हूं, सब लोग लिख लो, अब ये तो बहुत ही आसान है, यहां से थीटा चाहिए था हमें, थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन थीटा ये है, तो थीटा क्या होगा, उसको उल्टा कर दो, थीटा इज इक्वल टू के साथ में आ रहा है पी ए डिवाइडेड बाई वन प्लस के पी ए, ये लो। और एक्चुअली थीटा है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा की वैल्यू है ये, जिसको हम लोग एक्स बाई एम से कंपेयर कर सकते हो, तो फ्रुडलिच का आइसोथर्म ऐसे लिखा जाता है बुक में, दैट इज एक्स बाई एम विच इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू के इंटू पी ए डिवाइडेड बाई वन प्लस के पी ए, दिस इज लैंगम्यूर आइसोथर्म एंड नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। मजे की बात यह है बच्चों की, इसी को यहां पर जो आपको के दिखाई दे रहा है, सब लोग फोकस करो ना, दिस इज लैंगम्यूर आइसोथर्म, यहां पर आपको जो के दिखाई दे रहा है वो डिपेंड करता है गैस के नेचर पे, ओके गैस के नेचर पे, और साथ ही साथ एडसॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है, ओके तो इसलिए उसने लैंगम्यूर ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लिख दिया, और फाइनली मॉडिफाई करने के बाद उसने ये लिखा, जरा देखो, सो एक्स बाई एम विच इज इक्वल टू, यहां पर लिखा उसने के ए इंटू पी ए डिवाइडेड बाई वन प्लस के बी इंटू पी ए, उसने ए और बी नाम दे दिया, यहां पर के की जगह के ए लिख दिया, यहां पर के की जगह के बी लिख दिया, और उसने इसको तो ये दोनों जो कॉन्स्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये जो दोनों कॉन्स्टेंट है वो डिपेंड करते हैं आपके एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट पे, इट्स रियली वेरी सिंपल। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैं इस तरफ लिख देता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, वन वन टू थ्री, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, सो फाइनली ये इसका टोटल है,
अब मैं इस तरफ लिख देता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करो, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जगह नहीं है हमारे पास, ले लिया। सो फाइनली इसको मैं नीचे से रब कर रहा हूं, ओके, एट इक्विलिब्रियम, आप समझ ही गए होंगे। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं बच्चों। फाइनली कई बुक्स में इसको यूं भी लिखा जाता है दैट एक्स बाई एम विच इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन वन प्लस बी पी। तो आप घबराना मत, ये सेम ही है, ये और ये सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर के की जगह उसने ए लिख दिया, के बी की जगह उसने बी लिख दिया, प्रेशर वही है, वो प्रेशर गैस का है, दैट्स इट, ओके। सो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, दिस इज एक्स बाई एम और एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू थीटा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो दोनों कॉन्स्टेंट हैं और एक्चुअली वो दोनों कॉन्स्टेंट एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं। बहुत सिंपल है, इज इट क्लियर, दिमाग में घुसाओ, वो कॉन्स्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आ गया। अब कई लोग पूछ रहे वो दोनों सेम है या डिफरेंट, तो मैं फिर से कह रहा हूं, उसने यहां पे क्या किया, ये के की जो वैल्यू है वो तो उसने बता दी एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड होती हुई, एड्सॉर्बेंट अलग अलग कर दिया उसने, एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करती है, और बी की जो वैल्यू है वो एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करती है, ओके, एड्सॉर्बेंट। ये अलग अलग बुक्स अलग अलग लिखती है, लेकिन एक्चुअल में जो पुतना जितना भी डेरिवेशन किया गया था लैंगमुइर ने, वो ऐसे ही किया था। फाइनली दोनों को बोला कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करती है, तो दोनों के कॉन्स्टेंट को अलग कर दो, बात इतनी सी है और कुछ नहीं, समझ में आ गया। तो उसने यहां पर के पी वन प्लस के पी ऐसे लिखा था, उसने कर दिया के इंटू पी वन प्लस के बी इंटू पी। अब k और kb की जो वैल्यू है वो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करती है, उससे आपको टेंशन लेना नहीं, क्योंकि वो वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं। कई बार वो वैल्यू सेम होती हैं, कई बार वो वैल्यू सेम होती हैं और कई बार वो वैल्यू डिफरेंट होती हैं, बस इतना ही है। सबको समझ में आ गया? तो इट्स रियली वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, बहुत बड़ा यहां पर डेरिवेशन था, ठीक है, बट मैं आपसे फिर से कहता हूं कि एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लो और कॉपी लेके खुद से सोल्व करो ना। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, सादिया पूछ रही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आपके दिमाग में घुसा होना चाहिए कि लैंगमुइर का और यहां पर जो फ्रुंडलिच है उन दोनों का जो हमारे पास एक्चुअल में जो आइसोथर्म है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सो फाइनली बड़े ध्यान से इसको चेक कर लो। सो ये इस तरीके से निकाला गया, मैथमेटिकली आप खुद से बैठ के निकालो तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इस वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आया तो इतने से पोर्शन को दोबारा देख लेना। सो फाइनली ये डेरिवेशन है, मैं इसको हटा रहा हूं, वन टू थ्री आई एम रिमूविंग इट। अब मैंने इसको हटा दिया, फाइनली एक बार हम लोग साइट के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूं, अगर मान लो किसी के दिमाग में नहीं घुसा कि फ्रुडलिच और लैंगमुइर के आइसोथर्म में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्चुअली वो है सेम। मजे की बात, आप लैंगमुइर से फ्रुडलिच का आइसोथर्म बना सकते हो, बस उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। और वो कैसे हैं, जरा ध्यान से इसको देखो, इसका बताता हूं आपको, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी। सबसे पहले तो फ्रुडलिच का आइसोथर्म देख लो, जो फ्रुडलिच था, ठीक है, फ्रुडलिच का आइसोथर्म वो एक्चुअली था दैट इज एक्स बाई एम, ओके, इज इक्वल्स टू, एंड बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन, फ्रुडलिच का आइसोथर्म किस पे डिपेंड करता था, प्रेशर टू द पावर 1/n, याद है ना सब लोगों को, बस यही इंपॉर्टेंट है। सो एक्स बाई ए, यहां पर भी उसने कॉन्स्टेंट लगाया था, के पी रेस टू पावर 1/n, इट्स रियली वेरी सिंपल, ये फ्रुडलिच का आइसोथर्म था, ये तो सबको पता है या? और अब हमने किसका देखा है, लैंगमुइर का आइसोथर्म। लैंगमुइर का आइसोथर्म क्या था, इट्स रियली वेरी सिंपल, एक्स बाई एम विच इज इक्वल टू, अगेन वो सिर्फ प्रेशर की कहानियां बताते हैं और कुछ नहीं, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू ए इंटू पी डिवाइडेड बाई वन प्लस बी इंटू पी। कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है, कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, के इंटू पी डिवाइड बाई वन प्लस के इंटू पी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए और बी एक्चुअली यहां पर कॉन्स्टेंट है, तो आप घबराओ मत, वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में आपका यहां पर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट एक्चुअली ए और बी का वैल्यू दिया होता है, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। सबको समझ में आ गया? इट्स रियली वेरी सिंपल। ओवरऑल यहां पर यही कहानी कहने जा रहे हैं दोनों के दोनों की, भैया प्रेशर पे डिपेंडेंसी कितनी है और कैसी है। अब हम जाके देखेंगे लैंगमुइर की आइसोथर्म के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है? इट्स रियली वेरी सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया।
अब देखो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फटाफट से, अजम्पशन मैंने आपको बता दी है कि अजम्पशन क्या है। लैंगमुइर की आइसोथर्म हम लोगों को अभी देखी है, यहां पर जरा ध्यान दो, लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहती है, मास ऑफ द गैस एडसॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये वही चीज उसने बोल दी, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि जितनी भी गैस एडसॉर्ब होगी वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि एडसॉर्ब, यहां पर एडसॉर्बेंट का आपने देखो, द मास ऑफ द गैस एडसॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और उसी को उसने अपने तरीके से एक इक्वेशन बना के दे दी, और वो इक्वेशन थी ये वाली, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, ध्यान दो ठीक है। सोशल अब कोऑर्डिनेशन भी कराएंगे, पहले ये तो पूरा हो जाए यार, छोड़ कैसे दूं बीच में ही, ठीक है। सो फाइनली जरा ध्यान दो, दिस इज द एक्चुअल लैंगमुइर आइसोथर्म इक्वेशन। मैथमेटिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपका जो एडसॉर्प्शन का रेट है एक्चुअली वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू लैंगमुइर ऐसे डिपेंड करता है। और इसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, समझ में आ गया, इसका डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। अब आप एक एक चीज को ध्यान से देख लो, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी कॉन्स्टेंट है, हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ऑब्वियसली द नेचर ऑफ द गैस एडसॉर्ब्ड, जो कि गैस एडसॉर्ब होगी उस पर डिपेंड करेगा, एंड द नेचर ऑफ द एडसॉर्बेंट ऑल्सो। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम वो चीज टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है, ओके। सो फाइनली यहां पर तीन चीजों पर डिपेंड करती है, गैस जो कि एड्सॉर्ब हो रही है, यहां पर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, और फाइनली टेम्परेचर, तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अब मजे की बात देखो, अब यहां पर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया जरा देखो, आपने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन देखी थी, उसको गौर करना, इक्वेशन क्या थी लैंगमुइर की, दैट इज एक्स बाई एम विच इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाई वन प्लस बी पी, इट्स रियली वेरी इजी, ओके, ये इक्वेशन था। अब हमने ये जो पी था उसको नीचे लेकर चले गए, यहां लेकर चले गए, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो देखो, अगर नीचे लेके चले गए तो क्या बना, x बाई एम अपॉन पी, साथ में बना a अपॉन वन प्लस बी पी, सही है। आप इसको यू भी लिख सकते हो, इसको आप फ्लिप कर दो, उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, p ऊपर चला जाएगा, तो आया p अपॉन x बाई एम विच इज इक्वल टू वन प्लस बी पी, उल्टा करोगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये बना वन प्लस बी पी अपॉन a, ओके। आप इसको आप अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये तो एज इट इज आएगा, ये a चला जाएगा उसके नीचे तो 1 अपॉन a, एंड यहां पर इसके नीचे भी जाएगा तो क्या होगा b अपॉन a इंटू p। अब एक लाइन की इक्वेशन है जिसका कंपैरिजन आप कर सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, इसका मतलब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। आपको y एक्सिस पे क्या लेना है, प्रेशर अपॉन x बाई एम, ये लेना है y एक्सिस पर, ओके। x एक्सिस पर क्या लेना है, प्रेशर, ठीक है। और ये जो बेसिकली लाइन है वो कहां से ड्रॉ होगा, 1 अपॉन a वैल्यू से ड्रॉ होगा, ओके और वो एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से, और एक्चुअल में उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज बी बाई ए, इट्स रियली वेरी सिंपल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान होते हैं, आपको इसको लाइन में कन्वर्ट करना है और फाइनली आप इसको ग्राफ बना सकते हो। नाउ दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप बी बाई ए है, और आप इस तरह से उसको बना सकते हो, ओके सबको समझ में आ गया भाई। अब ये तो सोशल अब पूछ रहा है, अब देखो चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि सर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा था ये क्यों कराया, इसका जवाब तो मैंने सरफेस के पहले लेक्चर में ही दे दिया था, मैंने आपसे कहा था भाई करवाएंगे ना इसके बाद करवाएंगे, और सोच मैंने कहा था कि सरफेस केमिस्ट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है उसको खत्म कर लेते हैं फिर कोऑर्डिनेशन ही करना है। तो फाइनली आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान इस पे लगाओ जो पढ़ाया जा रहा है, अचानक से नए सवाल लेके आओगे थोड़ी देर में पूछोगे सर शाहरुख खान नई फिल्म नहीं ला रहा क्या चक्कर है, सर फ्लॉप हो गया, ऋतिक रोशन नाच क्यों नहीं रहा, हाँ गुली बॉय इतनी फेमस कैसे हो गई, हाँ मलाइका अरोड़ा खान किधर गई, सो हमें क्या मतलब है उनसे, पढ़ाई पे ध्यान, जो सामने चल रहा है कम से कम उस पर ध्यान दो, नए नए सवाल लाते हो जिसका कोई सेंस नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सरफेस केमिस्ट्री सिंपल सा चैप्टर है, उसको कंप्लीट करने के बाद कोऑर्डिनेशन कराएंगे, चिंता मत करो करवाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका आज कितना चौथा लेक्चर है आई थिंक, इस वीक में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, अगर आप डिस्टर्ब करना थोड़ा कम कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसे ही करते रहोगे तो फिर कैसे खत्म होगा आप बताओ, मेरे पे भी जिम्मेदारी है, और आप सोचो कि मैं छुट्टी भी नहीं ले रहा हूं, बिना छुट्टी लिए मैं आपको, हाँ तो बिना छुट्टी लिए मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान भी दो ना, विश्वास रखो,
और आप एक बात बताओ कि सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? आओ, क्या लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आने वाला? आएगा ना, चिंता मत करो बच्चों, विश्वास रखो कि हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है, आप पूरा सरफेस केमिस्ट्री खोलो, उसमें दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो लैंगमुइर और एक फ्रुडलिच, 100% उनमें से क्वेश्चन आते हैं, और वही चल रहा है, आप उस पर तो ध्यान दो, ठीक है? तो आप देखो, चिंता मत करो। तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मजे की बात यह है कि इसके ग्राफ को आप एक और तरीके से बना सकते हो। सो ये पहला मेथड है, आप इसकी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 1 2 3, हटा रहा हूं इसको, ओके? अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, जो ये इक्वेशन बनी हुई है आपके सामने, पीछे जरा ध्यान से देखो, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप यू बना सकते हो। मैंने बना के हालांकि दिखा दिया है, पी अपॉन एक्स बाई एम और पी ग्राफ बनाना है, और एक वो स्ट्रेट लाइन जाएगा जिसका एक्चुअल में अगर हम लोग ध्यान दें तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेप्ट पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज 1/a, जो हम पहले देख चुके हैं। और एक्चुअली इस लाइन का जो स्लोप होगा बेसिकली वो होगा बी बाई ए। इस तरह से आप इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यह हम पहले ही बना चुके हैं ऑलरेडी। मजे की बात, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। आप देखो, ऑल्टरनेटिवली आप ग्राफ कैसे और बना सकते हो, कंपैरिजन कैसे करोगे, तो हम लोग जानते हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, जरा ध्यान से उसको चेक करना, कि x by m according to Langmuir x by m which is equals to AP upon 1 plus BP, ये पढ़ चुके हैं, ओके? स्मॉल a लगाओ, कैपिटल a लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको उल्टा कर दो, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा m by x which is equals to, ये भी ऊपर चला जाएगा, that is 1 plus BP upon AP, it's really very simple, ये सामने लिखा हुआ। अब इसको आप अलग अलग कर दो, so क्या बना, m by x which is equals to, यहां से इसको अलग अलग कर दो, क्या बनेगा, 1 upon AP प्लस यहां से क्या बनेगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, B by A। इट्स रियली वेरी सिंपल। कंपैरिजन करो, ये Y है, ये C है, ये हमारे पास क्या हो गया, M into X, खत्म। तो अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहो, इट्स रियली वेरी सिंपल। Y की जगह क्या लिखोगे, M by X, X की जगह क्या लिखोगे, 1 upon P। स्टार्ट कहां से होगा, ये 1 upon A से शुरू होगा, स्मॉल ए ले लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और ये स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप क्या होगा लाइन का, स्लोप, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है? नहीं, सी बी बाई ए से होगा, ये बी बाई ए है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, 1 upon A, ये लो। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, इट्स रियली वेरी सिंपल, ओके? सो ये बहुत आसान है, ओके? पी मने प्रेशर, बोले पी क्या है, पी मने प्रेशर है, लिख दिया मैंने यहां सबसे, सब करेक्ट कर दिया, बी बाई ए, स्लोप होगा 1 by A, यहां पर 1 upon P, यहां पर M upon X। रियली वेरी सिंपल, बच्चों के जैसा खेल है, आपने एक बार ध्यान दिया तो बहुत आसानी से कर लोगे, कुछ भी नहीं है। जो लोग लेट आए हैं प्लीज आप लोग, ठीक है, इस लेक्चर को खत्म होने के बाद दोबारा देख लेना। तो यहां हमने क्या किया, फ्रुडलिच का आइसोथर्म का ग्राफ भी बना के देख लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो, 1 2 3 गोइंग। सो फाइनली इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से बनाया जा सकता है। अगेन आपके सामने ये ग्राफ रहा, खुद ही देखो, ये m by x, 1 upon P, b by a इंटरसेप्शन, और स्लोप लगा है 1 upon A, सेम चीज जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, ओके? सो अब हम लोग आगे चलने वाले हैं, ध्यान देना। सो फाइनली फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द सॉलिड एड्सॉर्बेट, अब हमें ये टॉपिक करना है, हमारे पास लैंगमुइर भी खत्म हो गया, ओके? ये हमारे पास खत्म हो चुका है। अब इसको करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, जो कल मुझसे किसी ने पूछी भी थी। सवाल क्या था, सवाल ये था, इसको करेंगे इसके बाद करेंगे जो मैं सवाल यहां पर जवाब देने जा रहा हूं। कल किसी ने मुझसे मेल पे क्वेश्चन पूछा और बढ़िया सवाल था, उसने ये कहा, सब लोग ध्यान देना, अभी अपन इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसको नहीं कर रहे हैं, अभी टॉपिक देखो। हमको पता है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन जो होता है, एड्सॉर्प्शन वो सबको पता है कि घटेगा, यस और नो? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन घटेगा, ये सिंपल सी बात है। मतलब एड्सॉर्प्शन की वैल्यू मैं लिख देता हूं, एड्सॉर्प्शन की वैल्यू घटेगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो गैस एड्सॉर्ब होगा क्या? नहीं, एड्सॉर्प्शन की वैल्यू घटेगी। लेकिन कल मैंने आपसे कहा था कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाओगे, सीटी का मतलब होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, पहली बात तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाते घटाते नहीं हो, क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअली एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी गैस के लिए, वो फिक्स होती है। और अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है,
हाई, चीजों को ध्यान दो, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो उसके लिए एडसॉर्ब होना इजी है। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है, बच्चे इसको मिक्स कर लेते हैं। सवाल देखो, ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी बच्चे पूछ रहे थे और कई लोगों को पता ही नहीं क्रिटिकल टेम्परेचर का सेंस क्या है, तो मैं आपको सिंपल वे से समझाता हूं। देखो, एक तो दो स्टेटमेंट है, दोनों अलग हैं। ये पहली स्टेटमेंट है और ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग हैं बच्चों, दोनों सेम नहीं है। और ये तब प्रॉब्लम आती है जब किसी को पता ही नहीं हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। समझ में आ रहा है? अब लोग, आप लोग ध्यान दो, अब अगर अभी नहीं जानते हो तो अब के बाद जानने लगोगे, बहुत आसान है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडसॉर्प्शन घटेगा, ये 100% सच है। दूसरी स्टेटमेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर किसी गैस का हाई है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, शब्दों को पकड़ो, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आप उसको वेरी नहीं कर सकते हो, और क्रिटिकल टेम्परेचर निकल सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो उसका एडसॉर्प्शन आसान है। अब सवाल यह है कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? राइट डाउन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने सीटी होता क्या है, सीटी मतलब बजाने वाली सीटी नहीं है, सीटी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड दैट इज वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। लिखो, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट बियॉन्ड सीटी, बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है किसी गैस का, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है किसी गैस का जिसके बाद, जिस अगर वहां तक पहुंच गई तो उसके बाद उसको लिक्विफाई करना मुश्किल है। अब इसको मैं सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट अस सपोज, ध्यान से समझना है इसको, इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, मैं इस बॉक्स में समझाता हूं आपको, ध्यान देना। लेट अस सपोज हमारे पास है ना दो गैसेस लेते हैं, ध्यान से समझना है उसको, दो गैसेस। ये हमारे पास गैस ए, ओके, ध्यान से समझना है इसको, ये है हमारे पास गैस ए, गैस ए जिसका नीचे से चालू कर रहे हैं। देखो, ये टेम्परेचर जीरो, ये टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर मान लो 200 डिग्री सेल्सियस, ये मान लो 300 डिग्री सेल्सियस। गैस ए का अपन क्रिटिकल टेम्परेचर मान लेते हैं जी बच्चों, लेट अस सपोज मान लेते हैं अपन 250 डिग्री सेल्सियस। ओके, मान लेते हैं, मान लिया कि गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यह है कि अगर 250 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बस गई वो, उसके बाद उसको लिक्विफाइड नहीं कर सकते हो। नाउ वी हैव वन मोर गैस, ये गैस हमारे पास बी, दिस इज गैस बी। अब देखो, गैस ए को मैंने नीचे बनाया, गैस बी को मैंने ऊपर बनाया, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अपन मान लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस या 350 मान लो, चलो 350 डिग्री सेल्सियस मान लिया। एक का है 250 जिसको मैंने नीचे बनाया है, एक का है 350 जिसको मैंने ऊपर बनाया है, तो ऑब्वियसली गैस बी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। दीज आर द वैल्यू ऑफ सीटी। नाउ कंफ्यूज मत होना, ये सीटी की वैल्यूज है, दिस इज सीटी, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस ए इज 250 एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस बी इज 350। मैं मानने को बोल रहा हूं, सब लोग मान लिया, मान लो एक बार, मान लिया, वेरी गुड। तो अब देखो, आप लोग ध्यान से समझो, मैं अब धीरे धीरे देखो, ये वो टेम्परेचर्स हैं जिसके बियॉन्ड गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, जिसके बियॉन्ड गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, ये वो टेम्परेचर्स हैं। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने मान लो टेम्परेचर कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस, कितना कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा सवाल है आपसे, क्या गैस ए लिक्विफाई हो सकती है? हाँ, क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। क्या गैस बी लिक्विफाई हो सकती है? हाँ, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जो उसका है उससे तो टेम्परेचर अपना कम ही है जो अपन बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया? अभी ये देखो, निकिता ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडलुच एंड लैंगमुइर, दोनों अभी थोड़ी देर पहले करवाया हूं, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना, मैंने करवा दी है, ठीक है। सो अब ध्यान से समझो, अगर मैंने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि 250 वाला भी लिक्विफाई हो सकता है, 350 वाला भी, क्योंकि दोनों से ही, दोनों के क्रिटिकल टेम्परेचर से ये टेम्परेचर कम है। अब लेट अस सपोज कि मैंने टेम्परेचर कर दिया 300, मैंने टेम्परेचर कर दिया 300, तो मेरा सबसे सवाल है, सब लोग मुझे जवाब दो,
अगर मैंने 300 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो क्या गैस ए लिक्विफाई हो पाएगी? क्या जवाब दो, क्या गैस ए लिक्विफाई हो पाएगी? क्या क्या गैस ए लिक्विफाई हो पाएगी? क्या जवाब दो, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 250 था, और क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है कि जिसके ऊपर जाने पर वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। इसका मतलब गैस ए लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, पर क्या गैस बी लिक्विफाई हो पाएगी? क्या अब मुझे बताओ कि क्या गैस बी लिक्विफाई हो पाएगी? क्या क्या गैस बी लिक्विफाई हो पाएगी? क्या गैस बी क्या गैस बी लिक्विफाई हो पाएगी? क्या यस यस हां हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से, एक्चुअली उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर आपने अप्लाई किया उससे ज्यादा है। अब अपना दिमाग लगाओ, ये बहुत आसान है, क्योंकि 350 इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है और आपने किया हुआ है 300। अब यहां गैस बी तो लिक्विफाई हो रही है लेकिन गैस ए लिक्विफाई नहीं हो रही है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि गैस बी के लिक्विफाई होने के चांसेस ज्यादा हैं हायर टेम्परेचर बे पी एज कंपेयर टू गैस ए। बस आंसर आ गया आपका। भाई कोई पूछ रहे लिक्विफाई का मतलब क्या है? भाई महान, लिक्विफाई का मतलब गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना। बाप रे कैसे आप साइंस में आए हो बच्चों, आप ऐसे मत करो। लिक्विफाई का मतलब किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, लिक्विफाई कहलाता है बच्चों। कोई पूछ रहा है सर लिक्विफाई क्या होता है, हमें नहीं पता। ऐसे मत करो बच्चों, 12वीं में आ चुके हो है ना, कंपैरिजन नहीं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान लगाओ। इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से समझाया है, और अगर आप इसको ये नहीं अभी नहीं समझ पा रहे हो तो इट्स रियली वेरी बैड। बता दिया, लिक्विफाई का मतलब होता है किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, किसी गैस को तरल लाना में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको लिक्विफाई कहते हैं बच्चों, ठीक है। पर ना हाँ, बात ये नहीं है, समझो बात ये नहीं है, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। भाई आप 12th में हो, एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें बच्चों करो, छोटी मोटी चीज़ें अगर नहीं आती हैं, इट्स रियली रियली वेरी पैथेटिक सिचुएशन यू हैव बच्चों, और आपको ये आना चाहिए। और एक और बात होता है, देखो मैं क्लियर करता हूं सब लोगों को, somebody saying मत हंसो, नहीं मैं कहता हूं हंसो। क्यों? जिस पे आप हंस रहे हो उसको, उस चीज को नेगेटिवली नहीं लेना, क्योंकि दुनिया तो हंसेगी, किस किस को रोकोगे, किस किस को रोकोगे। इनफैक्ट जिसकी गलती है उसको समझना चाहिए कि मुझे हंसी पे ध्यान नहीं देना है, मुझे ध्यान ये देना है कि ये छोटी सी चीज मुझे नहीं आती है, डोंट माइंड इट। समझ में आ गया? सो आपको इसको कभी भी माइंड नहीं करना, आपको सिर्फ ये सोचना है कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को हंसने दो, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे को एक छोटी सी चीज नहीं आती है, मुझे वो समझना है। और किस किस का मुंह बंद करवाओगे, सारी दुनिया हंसेगी। शुक्र मनाओ कि आज यहां पर हंस रहे हैं, कल IIT में जाके सवाल पूछते तो वो हंसते, तुम IIT में कैसे आ गए? अच्छा है ना, आज तो अपनी फैमिली के अंदर ही लोग हंस रहे हैं, हंसने से तो खून बढ़ता है, और तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि मैं हंसा रहा हूं लोगों को, इट्स रियली वेरी गुड। ओके, सो डोंट माइंड इट, बट द थिंग इज, ठीक है, बट द थिंग इज, इसको पॉजिटिवली लो, और छोटी मोटी चीजें उसको समझो। सबको समझ में आता है? एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बियॉन्ड लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। So, आपको कभी माइंड नहीं करना बच्चों, हमेशा याद रखो इस चीज को, ठीक है। मैं डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं बच्चों, ये गलत लिख रहे हो, मैं डिप्रेशन में नहीं डाल रहा हूं, आपको मजबूत बनने की जरूरत है। आज नरेंद्र मोदी एक बात बोलता है, मैं आज सबसे एक बात बोलता हूं, देखो दो तरह के लोग हैं इस पूरी कंट्री में, एक तो कहते हैं सब्सिडी दो, गरीब हैं बेचारे, नौकरी नहीं मिल रही, इनको पैसा दो। एक नरेंद्र मोदी जो ये कहता है कोई भीख देने की जरूरत नहीं है, कोई भीख देने की, कोई सब्सिडी नहीं देंगे हम लोग, नहीं देंगे। आप स्किलफुल बनो, अपने आप को एबल बनाओ ताकि आप पैसा कमा सको। इट्स नॉट अ डिप्रेशन, थिंक ऑफ इट कि वो आपका भला चाहते हैं। दोनों की सोच में फर्क है। एक लोग कहते हैं कि जाओ गरीबों को सब्सिडी दो, किसानों को सब्सिडी दो। अरे क्या, कब तक सब्सिडी देते रहोगे? सब्सिडी का मतलब एक्चुअली भीख दे रहे हो आप,
और बेचारों को हमेशा मजबूर करते रहते हो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो ये कहता है भैया स्किलफुल बनो, स्किलफुल रोजगार तुम्हें अपने आप मिलेगा, भीख मत मांगो। आपको पता है दो गवर्नमेंट में फर्क है, पहला कहता है बेरोजगारी भत्ता दो, जिनकी जिनके पास रोजगार नहीं है उनको पैसा बांटते रहो ताकि वो घर पे बैठे रहें और कभी रोजगार ढूंढने नहीं जाएं। नरेंद्र मोदी कहता है मुझे नहीं देना बेरोजगारी भत्ता, नहीं देना मेरे को, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपने देशवासियों को भिखारी नहीं बनाना है। वो ये चाहते हैं कि आप बाहर निकलो, स्किलफुल हो, स्किल डेवलप करो, खुद से कमाओ जाके बाहर। और ये एटीट्यूड जरूरी है। आज इस देश में किसी को कुछ कह देते हो तो बेचारा रोने लग जाता है, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन, अरे डिप्रेशन पूरी दुनिया खा जाएगी आप लोगों को अगर आप इस चीज से बाहर नहीं निकले तो। और हमें चाहिए नहीं, ना हमें सब्सिडी चाहिए, ना हमें भीख की नौकरी चाहिए, ना हमें भीख का पैसा चाहिए। हमें ईमानदारी से कमाना है, और अगर कमाना है तो एक्चुअली आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको ये छोटी मोटी चीजें नहीं आती, लोग हंस रहे हैं तो उसका एक एटीट्यूड बनाओ, हंसने दो लोगों को, बट वो जिस चीज पे हंस रहे हैं उसको इंप्रूव करो जाके। समझ में आता है क्यों हंस रहे हैं वो तुम पे? वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुम्हें आता नहीं है। अब आता नहीं है तो जाके सीखो, हंस रहे हैं जाने दो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सवाल यह कि जिस बात पे हंस रहे हैं अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। आज नहीं आता चलेगा, कल नहीं आता वो तुम्हारी गलती है। आज तुम गरीब हो चलेगा, कल अगर गरीब मर गए तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। इट्स रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। और किसी के साथ सिंपति दिखाने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में। आप 12वीं क्लास में आ चुके हो, और अगर 12वीं क्लास में साइंस में 2 साल बिताने के बाद भी तुम्हें ये सब चीजें नहीं आती हैं, इसका मतलब तुम्हें सीखने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट मी टू हैव आई हैव टू कूल डाउन, नो। सो बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एवरीथिंग मैन, यू कैन डू एवरीथिंग। और नहीं आता है तो पॉजिटिव। लोग मुझ पे भी हंसते थे यार, आज भी हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग मुझे कहते हैं कि क्या केमिस्ट्री पढ़ाएगा, अरे उनको क्या पता मेरे जज्बे क्या, हंसने दो क्या फर्क पड़ता है, अंधेरे में लोगों को रहने का शौक है रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जानता हूं ना अपने आप को कि मैं क्या हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मैं उन लोगों को प्रूव करके दिखा चुका हूं। 3000 सब्सक्राइबर से शुरू हुआ था, 3.5 लाख पे पहुंचा हूं, एक दिन 10 लाख पे भी पहुंच के बताऊंगा उनको मैं क्या हूं, मैं बताऊंगा। बट अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड एन एटीट्यूड। और तुम सब लोगों को कहता हूं कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बनना है ना, लोग हंसते हैं उसकी परवाह मत करो, किस किस का मुंह बंद करवाओगे? उनका मुंह बंद कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, सक्सेस। जाओ सीखो, बाहर निकलो, सक्सेसफुल बनो, बस। That is the only way. मैंने आज तक परवाह नहीं की कि गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने आज तक सवाल नहीं पूछा कि गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया। जनरल कैटेगरी से आता हूं, अरोड़ा हूं, कभी मैंने परवाह नहीं की कि किस नौकरी में मेरी किस तरह की रिजर्वेशन है, क्योंकि मुझे पता था मुझे जाना ही नहीं है। मुझे कोई तरह का भीख नहीं चाहिए, मुझे कोई तरह का रिजर्वेशन नहीं चाहिए। मुझे कमाना है, खुद के बलबूते पे कमाऊंगा, सरकार को दूंगा, बजाय सरकार को ये पूछने की कि सरकार मेरे को क्या दे रही है। मैं दूंगा सरकार को, मैं कमाता हूं, टैक्स भरता हूं, टैक्स भरता हूं, गवर्नमेंट को देता हूं, इससे मेरा देश चल रहा है। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी जरूरी है, और ये सारी चीजें मायने रखती हैं। हर बार हम ये सोचते हैं कि देश ने हमें क्या दिया, हम ये नहीं सोचते कि हमको देश को क्या देना चाहिए। और हमको देना है एक स्किलफुल बंदा, एक अच्छा स्किलफुल डॉक्टर, एक अच्छा स्किलफुल इंजीनियर, जिसके पास मेहनत करने को हो। और तुम्हें करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं चलने वाला, ये बात समझ लो तुम लोग। और ये पूछना बंद करो कि देश ने हमें क्या दिया, हम देश को क्या दे सकते हैं, उसके ऊपर बात करो चल के। मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आज तुम्हें लगता हूं मैं डिप्रेस कर रहा हूं, भाई दुनिया में बाहर निकल के देखो, सब लोग तुम्हें डिप्रेस ही करेंगे। उसमें तुमको बाहर निकलना है, और वो तुम कैसे निकलोगे? सीख के, समझ के, पावरफुल बन के निकलो आगे। समझ में आता है? तो परवाह मत करो कोई हंसता है तो, बट द थिंग इज अगर तुम्हें नहीं आता तो वो लोग हंसेंगे। अब सवाल ये है कि वो हंस रहे हैं तो किस बात पे हंस रहे हैं, उसको इंप्रूव करो। और किसी को कहने की जरूरत नहीं है डोंट लाफ एंड ऑल दैट, नहीं। अगर कोई गलती कर रहा है हंसो,
भरोसा रखो अपने आप पे, जब तुम्हें कोई बोलता है तू गरीब है, तू पतला है, ये है वो है, तब तुम में जोश आता है। तो आदमी को दो तरीके से जोश आ सकता है, या तो तुम सब कुछ कर सकते हो, या फिर कहे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दोनों से जोश आता है इंसान को, बस। तो तुम्हें वो एटीट्यूड तुमसे समझना है बस। सो फाइनली मतलब बहुत ही साफ है यहां पे, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आज की क्लास में कि अगर किसी, ठीक है, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको लिक्विफाई करना आसान है, क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई हो सकती है। इस चीज को समझो, समझ में आ गया, इस चीज को समझो, इट्स रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कुछ नहीं है। और उसी के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, और आप जाके क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझो कि वो टेम्परेचर जिसके बियॉन्ड लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, इसका मतलब बेचारी वो कम टेम्परेचर पे ही ऐसी गैस बन जाएगी जो लिक्विफाई नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, इसमें है क्या, इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, सो गाइज, इट्स नॉट अबाउट मी टू गेटिंग एंग्री, इट्स ऑल अबाउट दैट कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका किसी भी वे से नुकसान हो, इसलिए अपने अंदर सब चीजें शामिल करो पॉजिटिवली। यहां पर आज हम लोगों ने लैंगमुइर और फ्रूडलिच दोनों आइसोथर्म खत्म कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको अभी नहीं पढ़े हो या समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लो एक बार। ओके, अब विक्रम जो सवाल लिखे हो वो मुझे समझ में नहीं आया, एक तो सवाल केयरफुली लिखो। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया बच्चों, माय गॉड, अभी एग्जाम्पल ही बता रहा था। जैसे आप पिछली सीट खोलो, ये देखो, रुको मैं आपको समझाता हूं। समबड़ी सिंह सर एग्जाम्पल देता हूं, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, रुको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वेट करना। ये रहा, ये देखो, आप सब लोग ध्यान से देखना, लास्ट बार समझा रहा हूं, और ये इसके लिए कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। सब देखो भैया, सब लोग ध्यान दो, अब ये तब प्रॉब्लम नहीं होती जब आप एक बार अपने, ये टेबल है जिसमें गैसेस दे रखी है SO2 और NH3, और आपको पता है ये गैस स्टेट में करवाया जाता है, गैस स्टेट में रियल गैसेस में एक ही वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतनी आसानी से लिक्विफाई होता है, और उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है। अब आप जरा ध्यान से देखो, इनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, बताओ SO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू कितना है, 430, और ये फिक्स है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अमोनिया के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू है 406। अब आप सोचना जरा, मैं यहां से दो गैसेस ले लेता हूं, आप पहली गैस ले ली SO2, अब देखो जरा ध्यान से, मैं यहां पर बना रहा हूं फिर से लास्ट बार, ये पहली गैस है SO2 जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है 430, ये लो, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। एक तरफ अपन गैस ले लेते हैं, सपोज करो कि CO2, ठीक है, या फिर आप ये ले लो, कोई भी ले लो, CO2 ले लिया, ऑब्वियसली CO2 का जो, आप ध्यान से देखो, CO2 गैस जो है उसी का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, देखो कितना है, 304, ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका ज्यादा है उसका कम है, और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब ये ऐसी वैल्यू है जिसके बियॉन्ड इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हो आप। अगर आप इसको अचीव कर गए, ये इतना ज्यादा टेम्परेचर है 430 की, उसके बाद SO2 गैस लिक्विफाई नहीं होगी, ये इतना टेम्परेचर 304 के बाद CO2 गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती। लिक्विफाई का मतलब क्या है, गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना। अब आप देखो क्या किया, आपने दो कंटेनर लिए, उन दो कंटेनर में गैस भर दी, एक में भर दी SO2 गैस, एक में भर दी CO2 गैस, आपने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। मान लो कि पहले टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री सेल्सियस था तो दोनों लिक्विफाई हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे तो ये टेम्परेचर कम ही है, आप ये टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, दिस इज योर टेम्परेचर। अब अगर आपने इसको 100 से 300 कर दिया, अभी भी दोनों हो सकती है क्योंकि CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर अभी भी 304 है, तो आप 300 पे भी CO2 को लिक्विफाई कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपने टेम्परेचर कर दिया, मान लो 400 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर दिया, तो आप बताओ कि क्या CO2 लिक्विफाई हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर 304 है। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जिसके बियॉन्ड आप क्या कर सकते हो, लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये बहुत सिंपल है, 400 डिग्री सेल्सियस विच इज मोर देन 304, उस पर यह लिक्विफाई नहीं हो सकती है, उसमें सिर्फ SO2 गैस लिक्विफाई हो सकती है। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा
उतनी आसानी से ये गैस लिक्विफाई होगी और उतनी आसानी से इसका एड्सॉर्प्शन होगा। सिंपल सी बात है, इसका मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई है तो उसकी एड्सॉर्प्शन भी हाई है, एड्सॉर्प्शन भी हाई है। अब इससे आसान शब्दों से तो कौन समझाएगा बताओ, अभी तो क्लियर है ना, बता दो एक बार, अभी तो क्लियर है। अगर जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है और जब लिक्विफाई नहीं होगी तो एड्सॉर्ब कैसे, वही तो कह रहा हूं, लिक्विफाई होगी नहीं तो एड्सॉर्ब कैसे होगी, तो इसलिए तो कह रहा हूं क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होनी चाहिए। और क्या बोल रहा हूं, फारसी थोड़ी कह रहा हूं, अभी समझ में आ गया। चलो तो बहुत बढ़िया है, यही कह रहा हूं कि अगर उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर अगर उसका कम है तो बहुत जल्दी वो गैस उस लेवल पे पहुंच जाएगी जिसके बाद लिक्विफाई होगी ही नहीं, दैट्स इट। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं, इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, एक बार रिवाइज करो अच्छे से, टेंशन मत लो, सब बहुत आसान है, आप एक बार फिर से इसको देख लेना। अगले लेक्चर में मिलेंगे गाइज, और हमेशा याद रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क उस चीज से जरूर पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और अगर आप सोचते हो कि भैया मैं ग्रेट हूं, मुझसे आगे कोई नहीं है, तो फिर आप ग्रेट हो, खत्म। सो चलो गाइस, फटाफट से कैटलिस्ट को शुरू करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम लोग सरफेस को पर्टिकुलरली इसी वीक में खत्म कर दें, ठीक है। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, अपनी टॉपिक में, अपनी कॉपी के अंदर टॉपिक लगाओ कैटलिस्ट। लेकिन कैटलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले देखो, हमने, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने दो आइसोथर्म पढ़े थे, ठीक है। सो दोनों आइसोथर्म एक्चुअली हम लोगों ने किस किस वे में पढ़े थे, आप जरा सोचो, आप लोगों को याद होने चाहिए कि दोनों आइसोथर्म हमने पढ़े थे जब हम एक क्या ले रहे थे, सॉलिड यहां पर एडजोर्बेंट ले रहे थे, सॉलिड एडजोर्बेंट ले रहे थे, याद करो, सॉलिड एडजोर्बेंट ले रहे थे, ठीक है। और उस पे हम लोग गैसियस एडसॉर्बेंट को एडसॉर्ब करवा रहे थे, एक्चुअली गैसेस ले रहे थे हम एज अ सॉल्यूट या फिर एज अ एडसॉर्बेंट। तो उस केस में हम लोगों ने जो एक्चुअल में एक्स बाय एम की वैल्यूज लिखी थी इन द केस ऑफ लैंगबियर एंड फ्रुटलेज, वो क्या लिखी थी, दैट एक्स बाय एम इज इक्वल्स टू, ठीक है, याद करो, लैंगबियर के अंदर एपी अपॉन 1 प्लस बीपी, ये लिखा था हम लोगों ने। और इन द केस ऑफ रुडलिच एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी रेस टू पावर 1 बाई एन, ये लिखा था। से दो चीजें हम लोगों ने लिखी थी, आप लोगों को पता होंगी, ठीक है। अब ये तो हमने तब लिखा था जब गैस होती है, एज अ गैस होती है, एज अ एडसॉर्बेंट। लेकिन मान लो कि गैस ना हो, उसकी जगह सॉल्यूट, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, सॉल्यूशन हो, सो उस केस में क्या करोगे, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अब गैस नहीं है, हम लोग कह रहे हैं कि इस बार जो एडसॉर्बेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, इस सॉलिड के ऊपर लिक्विड फॉर्म में। और अगर लिक्विड फॉर्म में आता है तो उस केस में आपको प्रेशर काउंट नहीं करना है, उस केस में आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन काउंट करना है, बस इतना सा ही फर्क है। सो आप सब लोग नोट डाउन करो, जब हमारा सबस्ट्रेट, हमारा जो एडसॉर्बेंट है बेसिकली, अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो, सो हमको किस तरह से लिखनी है, या ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोगों को इस वे से लिखनी है, दैट एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन 1 प्लस बी सी, लुक एट इट, ए सी अपॉन 1 प्लस बी सी। अब प्रेशर की जगह हमने क्या लगा दिया, कॉन्सेंट्रेशन, बस इतना सा चेंज करना है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान से देखना, सी का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। एंड एट द सेम टाइम फ्रुडलिच का इक्वेशन कैसे लिखोगे, दैट एक्स बाई एम इज इक्वल टू के सी रेस टू पावर 1 बाई एन, वहां से प्रेशर हट जाएगा बाय द वे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म लगानी है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे हिम्मत दो, मैं आपका सिलेबस पूरा टाइम से करा दूंगा, बट ध्यान से इसको लिखते जाओ बस। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपके पास एडसॉर्बेंट में लिक्विड आ जाए तो यू हैव टू यूज कॉन्सेंट्रेशन इंस्टेड ऑफ प्रेशर, आपको प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन को यूज करना है, ये बहुत आसान है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में एक वेरिएशन चेक करने वाले हैं, ध्यान से उसको चेक करना, वेरिएशन चेक करने वाले हैं, उसको जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। सो फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में हम लोग टेम्परेचर का वेरिएशन चेक करेंगे, तो ध्यान से उसको चेक करना। फिजिक्स ऑप्शन तो बहुत इजी है, टेम्परेचर एक्चुअली अगर आपने इंक्रीज किया तो फिजिक्स ऑप्शन घटेगा, हम सब लोगों को पता है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में सरफेस और मॉलिक्यूल के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं,
तो अगर आपने यहां पर जरा ध्यान से इसको चेक करना, अगर आपने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया तो आप यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना, हमने तीन पॉइंट लिए हैं और इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्स बाई एम का वैल्यू घटेगा। क्यों घटेगा? सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसियस जो एड्सॉर्ब होने के लिए गैसियस मॉलिक्यूल्स आए हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और भाग जाएंगे। तो किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑब्वियसली एक्स बाई एम का वैल्यू कम होगा। और यहां पर आप खुद ही देखो ना, हम सब लोगों को पता है, अगर हम लोग फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो फिजिक्स ऑप्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। दिस इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। दिस इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमिना। सबसे मजे की बात यहां पर यह है कि यहां पर मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल, जो कि आपने सबने पढ़ रखा है, ली कैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो, अगर कोई इक्वेशन है ए विच विल गिव यू बी प्लस एनर्जी, वो एनर्जी भी बाहर निकाल रही है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। और अगर आपने एनर्जी ही बढ़ा दी, अगर आपने एनर्जी ही इंक्रीज कर दी, तो ली कैटेलियर के हिसाब से आप प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हो और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्स बाई एम का वैल्यू कंटिन्यूसली घटेगा इन द केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये बहुत आसान भी है। समझ में आ गया? ध्यान से इसको चेक करना। फिजिक्स ऑप्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्स बाई एम का वैल्यू घटेगा। इट्स रियली वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल। बट वॉट अबाउट केमीज ऑप्शन? केमीज ऑप्शन में क्या होता है जरा उसको चेक करो। केमीज ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि केमीज ऑप्शन में बच्चों आप याद करो कि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और आप खुद से बताओ, जरा खुद से सोचो कि आप अगर दो स्पीसी के बीच में केमिकल बॉन्ड बनाने वाले हो, देखो ये ए बी है और ये सी डी है, अगर इनके बीच में आप केमिकल बॉन्ड बनाने वाले हो तो सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्ड तोड़ने भी पड़ेंगे। यू हैव टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए बच्चों, और एनर्जी के लिए ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इनिशियली। और आप सब लोगों को पता है, जैसे आप खुद से सोचो, आपने पढ़ा होगा चाय कैसे बनती है। आपको पता है चाय कैसे बनती है? इनिशियली आपके दूध का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। आप दूध निकाल के लाते हो, फ्रिज से थोड़ी देर बाहर रखते हो, 20 डिग्री सेल्सियस पे आपने दूध डाला, फिर उसको गर्म करते हो, 20 से गया 40, 40 से गया वो 100, 100 से गया 150 डिग्री सेल्सियस, तब चाय बनती है, तब चाय बनती है। उसके बाद फाइनली ऐसा तो होता नहीं है कि चाय को आप चाय बन गई उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करते हो, गैस को डाउन कर देते हो, घर पे चाय बनते देखी होगी। तो धीरे धीरे दूध, उसके अंदर जो पत्ती और चीनी डाली है, उसको आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, बढ़ाने के बाद एक लेवल तक जाने के बाद एक्चुअली चाय बन जाती है। उसके बाद धीरे धीरे आप टेम्परेचर को डाउन करते हो, गैस स्टोव को बंद कर देते हो, फाइनली वो पीने लायक होती है। अब इस चीज को समझो, मतलब इनिशियली अगर आप केमीज ऑप्शन करवाना चाहते हो, अगर आप केमीज ऑप्शन करवाना चाहते हो तो इनिशियली आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। इट्स रियली वेरी सिंपल, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो वैसा ही ग्राफ आपको यहां पे भी दिखाई देगा। जरा चलो देखो, फटाफट से मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, क्योंकि एक्चुअली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक सीमा पार करनी होती है, और सीमा का नाम होता है, उस सीमा का नाम क्या होता है? सीमा कोई लड़की नहीं है भाई देवे, सीमा मतलब एक बैरियर क्रॉस करना होता है, ठीक है? और उस बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यस गाइस, दैट इज कॉल्ड एन एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आता है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आने वाला है, जरा ध्यान से उसको चेक करना। हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हमने जोड़ा। फाइनली जरा देखो, रिएक्टेंट से धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा तो उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। और इस तरह से हम लोग केमीज ऑप्शन में कह सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x by m का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद घटने लगता है। समझ में आ गया? क्योंकि बॉन्ड सब फॉर्म हो चुके हैं, अब उसको टेम्परेचर मत बढ़ाओ भाई। आपने मुश्किल से तो बॉन्ड बनाए, फिर अचानक से टेम्परेचर और बढ़ाने लग गए तो वो बॉन्ड टूट जाएंगे। सिंपल सी बात है। सो फाइनली एक हद तक टेम्परेचर बढ़ाओ, बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के बाद टेम्परेचर जो है एक्चुअली बढ़ाए नहीं, उसको घटा देना चाहिए। अगर आपने बढ़ाया तो x by m का वैल्यू घटने लगेगा। मतलब इनिशियली अगर कहें, ध्यान से देखो, केमीज ऑप्शन के केस में इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने पर केमीज ऑप्शन यानी कि x by m का वैल्यू बढ़ता है। समझ में आ गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाने पर x by m का वैल्यू बढ़ता है, ये होता है इनिशियली। बट फाइनली क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो x by m का वैल्यू घटने लगेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन चुका है अब उसमें और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा,
बहुत बुरी हालत होगी डेफिनेटली। क्या होगा वहां पे, वो बॉन्ड टूटने लगे जो बने, खुद से ही सोचो। सो फाइनली ये मतलब निकलता है इसका, सबको समझ में आ गया। सो हैव टू फोकस ऑन दैट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वही चीज है जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ी है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसको ध्यान से देखो ये कह क्या रहा है आपसे। यहां पर ये कह रहा है कि इनिशियली अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्स बाय एम का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्चुअली उसको टेम्परेचर की जरूरत होती है, इनिशियली बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं और फिर प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन एक बार बनने के बाद आप वो काम मत करो, क्योंकि टेम्परेचर उसके बाद अगर आप बढ़ाओगे तो एक्स बाय एम का वैल्यू घटेगा। क्लियर होता है? सो केमिस ऑप्शन उसके बाद घटने लगेगा। इस चीज को हम लोग आगे भी देखेंगे, तो ध्यान से इसको देखो ना। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, कि अगर आप ध्यान से देखो तो फिजिक्स ऑप्शन में ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसा रेक्टेंगल हाइपरबोला, लेकिन केमिस ऑप्शन में हाफ इक्लिप्स के जैसा ग्राफ आ रहा है। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलत आंसर देते हैं। फिजिक्स ऑप्शन के केस में यहां पर एक्स बाई एम वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ एक रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है, जबकि केमिस ऑप्शन के केस में ये रेक्टेंगल हाइपरबोला नहीं है, ये हाफ इक्लिप्स है। समझ में आ गया? सो इस तरह से उसको आप ट्रीट करो, क्वेश्चंस को ध्यान से मैनेज करना, क्योंकि वहां गलतियां होने लगती हैं। ठीक है? सो ध्यान से इसको देखो। चलो अब हम चलते हैं आगे। फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन हमने खत्म कर लिया, अब हम बात करेंगे आज किसकी, जैसा कि टाइटल में मेंशन था, दैट इज कैटलिस्ट। सो आज हम लोग कैटलिस्ट की बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट अमूमन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के काम में आता है। मतलब अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, अमूमन ऐसा होता है। मैं इसको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट डाउन करो कि कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनस और एक हेटरोजेनस। ध्यान से नोट डाउन करो, कैटलिस्ट पढ़ने हैं वो दो तरह के हैं, एक होमोजेनस और दूसरा हेटरोजेनस। इनको डिटेल में पढ़ना है, ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप ध्यान लगाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, कैटलिस्ट का मतलब समझेंगे। लेकिन कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं उसको भी हमें समझना है पैरेलली, एंड दैट इज होमोजेनस एंड हेटरोजेनस। चलो फटाफट से कैटलिस्ट को शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आपने कभी देखा होगा कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो तुरंत वो एक सॉल्ट बना लेते हैं। ये जो रिएक्शन होती है जब एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है तुरंत सॉल्ट प्लस वॉटर बनाता है, आपको पता होना चाहिए, यह सुपर फास्ट रिएक्शन होती है। सुपर फास्ट मतलब जैसे ही आप NaOH को HCl से रिएक्ट कराओगे विद इन अ सेकंड आपको NaCl और वाटर मिल जाएगा, इसमें टाइम लगता ही नहीं है। अब सवाल ये है मेरा आपसे, आप लोग मुझे बताओ कि क्या किसी एसिड को, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है क्या? नहीं है, नहीं है। खुद ही सोचो क्यों जरूरत है, नहीं है। क्यों जरूरत पड़ेगी यहां पर? क्योंकि ये तो विद इन अ सेकंड हो रही है, वी डोंट नीड इट। तो मतलब NaOH HCl की रिएक्शन NaCl और H2O बना रहा है वो, उसके अंदर कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल लो, नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये तो हमारे रिएक्टेंट्स हो गए और ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, ये हमें पता है। अब सपोज करो कि अगर आपने AgNO3 जिसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं उसकी रिएक्शन HCl से गलती से करवा दी, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेशन बैठने लगेगा। तो ये व्हाइट पीपीटी है, जरा ध्यान से इसको चेक करो। आपने कभी केमिस्ट्री की लैब में गए हो तो AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है बच्चों, ये व्हाइट पीपीटी तुरंत बैठने लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। जब आप AgNO3 की रिएक्शन HCl से करवाओगे, सिल्वर नाइट्रेट को HCl से रिएक्ट कराओगे, तो यहां तुरंत AgCl का प्रेसिपिटेशन नीचे बैठ जाएगा और ये तुरंत हो जाता है, मिनटों में, सेकंडों में। तो सवाल ये है कि क्या इसके लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत है? नहीं है, वी डोंट नीड अ कैटलिस्ट। भैया क्यों कैटलिस्ट यूज करेंगे, इतनी तो फास्ट हो रही है, और कितनी फास्ट चाहते हो? क्या सुपरसोनिक स्पीड से चाहते हो? इतना क्या वक्त नहीं है आपके पास? लेकिन वी हैव सम मोर वंडरफुल एग्जांपल, जरा सोचना उसको ध्यान से। तो हमें इसमें तो समझ में आ गया कि भैया सुपर फास्ट रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। सुपर फास्ट रिएक्शन में वी डोंट नीड अ कैटलिस्ट। बट एक और एग्जांपल देता हूं, आपने घर पे अपने आयरन, यानी कि आपके अगर स्टेयर्स लगे हो या छत पे जाते हो तो आयरन लगा होता है, कहीं ना कहीं आयरन तो देखा होगा आपको, सबको पता है कि आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है। आपको क्या लगता है कि रस्टिंग वाला केस आपको पता होना चाहिए, आपको पता है रस्टिंग किसी आयरन पे कितने टाइम पे होती है? आजकल तो हम लोग पेंट करने लग गए इस वजह से तो सालों में होती है, मतलब नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है पेंट उतर जाए, तो बात अलग है।
अदरवाइज एक नेकेड आयरन पर भी रस्टिंग होने में बहुत समय लगता है, 6 से 7 महीने, वहां पर जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो अब आप खुद से सोचो कि इस इवेंट को होने में बहुत समय लगता है, 6-7 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल, भैया इसके लिए कैटलिस्ट कहां से यूज करोगे? पहली बात तो आपको रस्टिंग करवानी नहीं है, दूसरा इसके लिए कैटलिस्ट क्या यूज करे कि भाई इस इवेंट को होने में 1-1 साल 2-2 साल लग रहे हैं, कैटलिस्ट कितनी जल्दी करवा देगा इसको? तो हम लोगों का सेंस क्या है, कैटलिस्ट का यूज ना तो सुपर फास्ट रिएक्शन में होता है ना ही सुपर स्लो रिएक्शन में होता है। ध्यान लगाओ, कैटलिस्ट इज नॉट यूज इन सुपर फास्ट रिएक्शन एज वेल एज इन सुपर स्लो रिएक्शन। ना तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल सुपर फास्ट में होता है ना ही सुपर स्लो में होता है। इसका मतलब कैटलिस्ट का यूज कहां करते हैं? मॉडरेट लेवल की केमिकल रिएक्शंस में करते हैं। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझो, बड़े अच्छे से समझना। मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, KCLO3 जिसको हम लोग पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, नोट डाउन दिस थिंग, पोटेशियम क्लोरेट। बच्चों ध्यान लगाओ, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, पोटेशियम क्लोरेट आपको सबको पता होगा कि अगर पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग हीट करते हैं ना, तो यहां से बनता है KCl+O2। तो मतलब आपको यहां से ऑक्सीजन मिलता है फ्रेशली, और ये ऑक्सीजन आपको काम आएगा। और एक्चुअली ऑक्सीजन की तो वैसे ही बहुत कमी होने लगी है, पता है आपको, एक पिक्चर बनी है जो एक्चुअली ऑक्सीजन के ऊपर ही है। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन भी खरीदा करेंगे लोग, ठीक है? उसमें जैकी बगनानी, मैंने देखा तो था, जैकी बगनानी उसमें लीड रोल में था। खैर हमें हीरो से मतलब नहीं है, बट द सेम टाइम आने वाले वक्त में हमें ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ सकती है, जैसे हम लोग प्योर वाटर खरीद रहे हैं बोतल के अंदर। हालात ये हैं कि पीने को पानी नहीं है, और कलयुग आ गया है, हम लोग पानी भी खरीद रहे हैं। 20 रुपए की 1 लीटर बोतल बिकती है, और हमारे पूर्वज कह के गए थे जिस दिन बोतल में पानी बिकने लगे समझ लो अंत आ गया है, ठीक है? सो पानी की हालात हो गई है, हम पानी भी बेच रहे हैं, ठीक है? बट फाइनली सवाल ये है कि KCLO3 जब KCl+O2 देता है, तो यहां से आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। बच्चों मजे की बात यह है कि ये केमिकल रिएक्शन होने में 4 घंटे लगते हैं। ध्यान से देखो, दिस इज मॉडरेट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां पर होने में इसको 4 घंटे लगते हैं, नोट डाउन करो, ठीक है? ध्यान से देखो, ध्यान लगाओ, KCLO3 को हीट करोगे तो KCl+O2 मिलता है, और इस केमिकल रिएक्शन को 4 घंटे लगते हैं। लेकिन मजे की बात, मान लो कि हमें इमीडिएट जरूरत है, मरीज मर रहा है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो हम 4 घंटे इस्तेमाल क्या 4 घंटे वेस्ट कर देंगे क्या? ध्यान से समझो भैया, मरीज को तो अभी ऑक्सीजन चाहिए, और अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए और हमारे पास कोई चारा नहीं है, और हमें KCLO3 से ऑक्सीजन बनाना है, फिर उसे सिलेंडर में पैक करना है, और अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाना है सपोज, ठीक है, मान लो, तो हमारे पास 4 घंटे नहीं है, मरीज मर जाएगा। उस केस में वी नीड टू यूज अ कैटलिस्ट, वी हैव टू यूज अ कैटलिस्ट। इन दैट केस मैंगनीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। मजे की बात देखो, अगर आपने इसके अंदर मैंगनीज ऑक्साइड यूज किया, तो यही सेम केमिकल रिएक्शन मात्र 15 मिनट में हो जाती है। ध्यान लगाओ, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, यू हैव टू यूज इट, MnO2 आपको यूज करना है। अगेन यही केमिकल रिएक्शन जो कि बच्चों 4 घंटे में हो रही थी, सेम केमिकल रिएक्शन आप 15 मिनट में करवा सकते हो, 15 मिनट में। अब बच गया ना आपका मरीज, 15 मिनट में ऑक्सीजन निकाल ली, 15 मिनट में सिलेंडर में भर दी, 15 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, और 15 मिनट के उसके फेफड़ों के अंदर पहुंचा दिया, 1 घंटे में मरीज बच गया। कहां 4 घंटे लगाते आप, 1 घंटे में आपने मरीज को बचा लिया। नाउ विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज यूज द कैटलिस्ट। मतलब ये है कि हम लोग मॉडरेट लेवल की केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग कैटलिस्ट को यूज करते हैं। 4 घंटे की बजाय 15 मिनट में हमारा काम हो गया। वैसे भी हम लोग हरी में रहते हैं, हमारे पास इतना समय ही नहीं है। बच गया ना मरीज, सब लोग खुश हो गए, भले बच गया मरीज, 15 मिनट में ऑक्सीजन बना ली, ठीक है? सो ये मतलब है ओवरऑल इसका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट कहाँ यूज करते हैं। कैटलिस्ट कभी भी बहुत कम समय लगने वाली केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं करते, बहुत ज्यादा समय लगने वाली केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं करते। हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं मॉडरेट लेवल की केमिकल रिएक्शन के लिए, एज लाइक KCLO3, इन दैट केस MnO2 इज अ कैटलिस्ट बच्चों। और इस केस में जो 4 घंटे की केमिकल रिएक्शन थी, उसने मात्र 15 मिनट में करवा दी, तो कैटलिस्ट इज अ पावरफुल
इज अ पावरफुल रिएजेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजे की बात, कैटलिस्ट हम लोग रिएजेंट बोलते तो हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में खुद अनरिएक्टिव रहता है, बस स्पीड को बढ़ा देता है। ये खुद स्पीड को बढ़ा देता है, ये अनरिएक्टिव रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी बहुत ध्यान से समझना, अब जो आगे चलने वाला है, नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो किसी को अभी यहां पर वॉइस का इश्यू है, तो आप नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आप एक बार क्या करो, आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लो, ठीक है। सो ध्यान से देखो, अब अपन आगे चलते हैं। यहां पर लिखा भी है, देखो जरा ध्यान से। अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हेन एडेड टू अ रिएक्टिंग सिस्टम इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। इस केमिकल रिएक्शन में MnO2 का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। MnO2 यहां पर आया है सहायता करने के लिए, सहायता करेगा और चला जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना इसको कुछ मिलेगा ना इसका कुछ बिगड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट खुद कभी भी कंज्यूम नहीं होता। नाउ दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट इज लाइक अ शक्तिमान। श्रुति बिल्कुल सही बोल रही है। चलो, सो फाइनली कैटलिस्ट इज लाइक अ शक्तिमान। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटलिसिस। एक्चुअली अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैटलिस्ट से बढ़ा रहे हो, एक्चुअली इसी फिनोमिना को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। सो नोट डाउन दिस थिंग, ठीक है, मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1, 2, 3, या सो फाइनली बच्चों सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना। सुन रहे हो ना? जवाब तो दो, सुन रहे हो ना? यस ओर नो? हाँ, सुन रहे हो? ध्यान से सुनो, ये जो अभी स्क्रीनशॉट लिया है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी आंखों में सच्चाई देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कई लोग कह रहे हैं सर वापस बता दो, तो कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। सो फाइनली रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होता, वो अनरिएक्टिव रहता है, वो सिर्फ रेट को बढ़ाता है, सिर्फ स्पीड को बढ़ाता है। ओके, सो डोंट वरी, कुछ नहीं है, शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है कैटलिस्ट को समझने के लिए। क्लियर हो गया? ये ऐसा ही है कि देखो जी, आप चल रहे हो पैदल, घर जाना है आपको, बहुत सा आपका पेट में गड़बड़ हो रहा है। सपोज कभी होता है ना ऐसा कि स्कूल में हो, घर जाना है, रस्ते में हो, पेट में हो गया गड़बड़। अब कैटलिस्ट क्या है पता है? ध्यान से सुनना उसको। कैटलिस्ट क्या है? अगर रस्ते में आपका दोस्त मिल गया साइकिल पे या स्कूटी पे, अगर उसने बिठा दिया आपको और वो लेके गया आपको घर तक, तो वो एक कैटलिस्ट है। अदरवाइज आपका पेट वहीं पे ही। समझ रहे हो ना? सो फाइनली मतलब ये कैटलिस्ट का मतलब ये होता है जो आपको सहायता करेगा आपके कंप्लीशन के लिए, ठीक है, रिएक्शन के कंप्लीशन फास्ट हो जाए, बस दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। अदरवाइज उसका खुद का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो ये मतलब है। चलो, तो चलो फाइनली अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पे। अब नोट डाउन करो, सो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, डिपेंड्स अपॉन द डिपेंड्स अपॉन द फेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। फर्स्ट वन इज होमोजेनस, सेकंड वन इज हेटरोजेनस। नोट डाउन करो, कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं फेज के अकॉर्डिंग, होमोजेनस एंड हेटरोजेनस। क्लियर होता है होमोजेनस एंड हेटरोजेनस? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस? होमो, आजकल बहुत बवाल चलता है, होमो, समझ में आ रहा है? ये होमो है, ये हेट्रो है, ऐसा चलता है ना। होमो का मतलब एक जैसे, हेट्रो का मतलब अलग अलग। अब इसका मतलब समझो, होमो, होमो का मतलब ये है कि कैटलिस्ट का फेज वही है जो कि रिएक्टेंट का है। अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड है, अगर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड है, अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस है। इसका मतलब वो होमो है, समझ में आ गया। दूसरा है हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है? कि कैटलिस्ट का जो फेज है वो रिएक्टेंट के फेज से मैच नहीं करता। मतलब रिएक्टेंट है सॉलिड और कैटलिस्ट है लिक्विड, रिएक्टेंट है लिक्विड, कैटलिस्ट है सॉलिड, इसका मतलब उसका फेज मैच नहीं करेगा बच्चों। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आप सब लोगों को नोट डाउन करने हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। होमोजेनस का मतलब अ कैटलिस्ट विच एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ होमोजेनस कैटलिस्ट। बच्चों नोट डाउन करो, रिएक्टेंट का जो फेज है कैटलिस्ट का, अगर वही फेज है तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनस कैटलिस्ट।
मतलब ध्यान रखना कि आपको यहां पर कैटलिस्ट की फेज का कंपैरिजन करना किससे है, रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से नहीं, रिएक्टेंट से कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं, नाउ हेट्रोजीनियस इज नोट डाउन अ कैटलिस्ट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो इस चीज को कि अगर कैटलिस्ट का फेज, अगर कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट के फेज से ना मिल रहा हो सो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। एग्जांपल देता हूं, कई लोग कहेंगे सर एग्जांपल बताओ, तो चलो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। सो नोट डाउन दीज एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजेनेस इज रियली वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, दिस इज एस्टर, दिस इज एस्टर, और एस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो एक्चुअली एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि यू नीड एच प्लस आयन। अब यहां पर ये एसिड एक्चुअली कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा होता है, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव एस्टर जिसकी फेज है एक्वस, वी हैव वॉटर जिसकी फेज है ऑब्वियसली लिक्विड, एक्वस तो ये खुद ही है, वी हैव एच प्लस जिसकी फेज है एक्वस, इसका मतलब यहां पर कैटलिस्ट की फेज एस्टर की फेज से मिलती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। नोट डाउन कर लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हो आपको एसिडिक एसिड मिलता है जो कि अगेन एसिड, यहां पर एक्वस है, और आपको इथेनॉल मिलेगा जो कि अगेन एक्वस है। आप इसको नोट डाउन करो, एक्चुअली दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट। इन दिस रिएक्शन एज वी कैन से एसिड लाइक HCl वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए हमको इसको होमोजेनस कैटलिस्ट कहना पड़ेगा क्योंकि इसकी फेज रिएक्टेंट की फेज से मिलती है। सो दे आर ऑल सेम फेज इन लिक्विड फेज, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड होमोजेनस कैटलिस्ट। सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड होमोजेनस कैटालिसिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत आसान है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, कम ऑन फटाफट से, फटाफट से ले लो, 1 2 3। अब देखो आगे नए एग्जांपल देता हूं आपको, आप कहोगे सर ये छोटे छोटे बच्चों के जैसे एग्जांपल देते रहते हो, कुछ अच्छा एग्जांपल दो, मजा आए। तो चलो आपको अच्छा बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सामने वैसे लिखे हैं, मैं एक घूंट लगा लेता हूं, ये पानी है, ध्यान रखना जो इथेनॉल निकला है वो नहीं है इसके अंदर, ओके। चलो सो फाइनली ध्यान लगाओ। अब ध्यान लगाओ, सेकेंड रिएक्शन देखो, सेकेंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना सब लोग। आपको मैं यहां पर होमोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, H2O2, ये सबको पता है ये डीकंपोज हो जाता है अगर आप हीट करोगे तो, और H2O2 को हीट करते ही वो डीकंपोज होता है पानी के अंदर और ऑक्सीजन देता है, ये सबको पता है, हाफ ऑक्सीजन निकालेगा। मजे की बात ये है कि अगर आपने यहां पर I- यूज किया एक्वस, तो ये आयोडीन I- हेल्प करेगा इसके डीकंपोजिशन में, मतलब इसकी डीकंपोजिशन को हाई बनाएगा। अब आप सब लोग नोट डाउन करो, इन दैट केस I- किस में है, एक्वस में। आप बताओ H2O2 किस में है, एक्वस में, तो हो गई ना फेज इक्वल। और अगर फेज इक्वल होगी इसका मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, चिंता मत करो। एक लड़का कह रहा है मैं बिहार से हूं, मेरे क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो अपन कराएंगे ना बच्चों पर, पहले एकदम से इसको छोड़ के नहीं करवा सकते, तो ध्यान लगाओ, पहले इसको खत्म करेंगे उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है। सो फाइनली ध्यान लगाओ, दिस इज अ होमोजेनस कैटलिस्ट रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहां पर I- एक्वस में है, H2O2 एक्वस में है। और मैं सब लोगों को कहूंगा नोट डाउन करो इन चीजों को, कि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा काम देंगी, क्लियर हो गया सब लोगों को, ये चीजें आपको लिटरली बहुत ज्यादा काम देंगी भैया, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, और केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखो। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए इन दैट केस I- एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है बच्चों, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। रितिका कह रही है बिहार से हो, बहुत बढ़िया, आप बिहार से होने से पहले हम लोग इंडिया से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, याद रखना इस चीज को। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल देखो, SO2+O2 विल गिव यू SO3, और ये मजे की बात है, ये के केमिकल रिएक्शन होती है NO या फिर NO2 की प्रेजेंस में, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस थिंग, कि यहां पर SO2+O2 विल गिव यू SO3, बट दिस केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन NO एंड NO2 प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ NO एंड NO2,
या तो आपको NO लेना पड़ेगा या NO2 लेना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर NO गैस है एंड आपके रिएक्टेंट SO2 एंड O2 ये दोनों भी गैस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये हो गई ना होमोजेनस, यस और नो, दिस इज होमोजेनस। अब आ जाओ तीसरे एग्जांपल पर, नीचे तीसरा एग्जांपल आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन का, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ड्रॉप कर देता हूं। देखो यहां पर आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया हुआ है, ये है ऑक्सीजन जो कि ओजोन बना के देगी आपको, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, NO की प्रेजेंस में। अब पता है, सच्ची बोल रहा हूं बच्चों, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत काम आती हैं। इनफैक्ट आपको बहुत बार कैटलिस्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि SO2 में I- इज ए कैटलिस्ट, SO2 से अगर आप SO3 बनाना चाहते हो, इन दैट केस NO और NO2 गैस इज अ कैटलिस्ट, ओके, एंड इन दिस केस ऑक्सीजन से आप अगर आप ओजोन बनाना चाहते हो, इन दैट केस NO गैस इज अ कैटलिस्ट। यू हैव टू नोट डाउन दिस थिंग, मजे की बात, ये गैस है, ये गैस है होमोजेनस, ये गैस है, ये दोनों गैस है होमोजेनस, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है होमोजेनस। सो हमारे पास होमोजेनस बन के आ गया हमारे सामने, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोगों को जगह दे देता हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ऐसा रुद्र सा, बाहुबली की याद आ गई। चलो सो फाइनली हमने होमोजेनस देख लिए, नाउ विल टॉक अबाउट हेट्रोजेनस। लेकिन हेट्रोजेनस को समझने से पहले, क्योंकि हेट्रोजेनस में क्या होता है, हेट्रोजेनस में आप लोग सब ध्यान से सुनना, हेट्रोजेनस में आपके पास कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की फेज डिफरेंट होती है। हेट्रोजेनस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की फेज डिफरेंट होती है, तो हमको यहां पर सबसे पहले मैकेनिज्म समझना है कि हेट्रोजेनस के अंदर किस तरह से कैटलिस्ट काम करता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगा, ध्यान से समझो, डिफरेंट फेज में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगा। यहां पर कैटलिस्ट हम लोग सॉलिड फेज में लेंगे और गैस हम लोग रिएक्टेंट लेंगे, तो चलो मैं दिखाता हूं, इसमें 5 स्टेप में होती है, कैसे जरा ध्यान से देखो, और ये बहुत आसान है बच्चों के जैसा है। सबसे पहले क्या होगा जरा सोचो, सबसे पहले बच्चों यहां पर जो गैस है जो कि रिएक्टेंट है, ये देखो दिस इज रिएक्टेंट, ये गैस जो कि रिएक्टेंट है वो आएगा, और ये जो सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका कैटलिस्ट। ध्यान से देखना, कैटलिस्ट कौन है, सॉलिड ब्लू कलर का है, ओके, ये गैस है जो आके इसके सबसे पहले होगी डिफ्यूज, सबसे पहला काम होता है डिफ्यूजन का, आके होगी सबसे पहले डिफ्यूज, यानी कि सरफेस पर अपने आप को डिफ्यूज करेगी, और डिफ्यूजन के टाइम पे ये अपने आप को ब्रेक भी कर लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले होता है डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, मतलब ऐसा समझो आप कि ये सरफेस है प्लेटिनम का, ओके, और प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस आएगा सबसे पहले, और हाइड्रोजन गैस आके यहां चिपक जाएगा, सबसे पहले डिफ्यूज होगा, डिफ्यूजन के केस में हाइड्रोजन एटम अलग अलग हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिपक गए, अब डिफ्यूजन के बाद एड्सॉर्प्शन होगा, डिफ्यूज होते हैं सबसे पहले, डिफ्यूजन के बाद होता है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन में सरफेस पर बिल्कुल आके चिपक गए, बिल्कुल अंदर जगह बना ली है, एड्सॉर्प्शन के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, यहां से फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों से फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आगे बताऊंगा। सबसे पहले डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा, उस फिर प्रोडक्ट का यहां पर डिसॉर्प्शन होगा, डिसॉर्प्शन के बाद फिर से डिफ्यूजन होगा, समझ में आ गया, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये टोटल 5 स्टेप होते हैं, इसको अपन एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, नाउ दिस इज रियली वेरी इजी, समझ में आ गया, ध्यान दो, सबसे पहले डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के बाद डिसॉर्प्शन होगा, डिसॉर्प्शन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद अगेन या एड्सॉर्प्शन होगा, यहां पर डिसॉर्प्शन होगा, यहां पर फिर डिफ्यूजन हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाएगा। चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, इसको पहले अपनी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, यहां पर कैटलिस्ट सॉलिड है और रिएक्टेंट गैस है, ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट से, चलो ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, ले लिया, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते रहे हेट्रोजेनस का, उसके बाद इसको ध्यान से समझेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं सब बच्चों को बोलता हूं कि भैया इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये केमिकल रिएक्शन? एक्चुअली आप सब लोगों को पता होगा कि एक कंट्री कैसे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनती है, उसके पीछे का लॉजिक होता है कि कितना कंजप्शन हो रहा है यूरिया का, कितना कंजप्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का,
मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, यूरिया, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक्चुअली कंट्री की प्रोग्रेस को भी बताते हैं भैया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ ऑल सब्सटेंसेस भी कहते हैं, ऑल केमिकल किंग होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग। और आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम लोगों को SO3 गैस की जरूरत पड़ती है, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम लोगों को SO3 गैस की जरूरत पड़ती है। और आपको पता होना चाहिए SO3 गैस कैसे बनता है बच्चों, SO3 गैस बनता है SO2 plus O2 से, लेकिन मजे की बात उसके अंदर V2O5 as a catalyst यूज होता है, वैनेडियम पेंटोक्साइड इज यूज एज अ कैटलिस्ट। वैनेडियम पेंटोक्साइड बच्चों एक सॉलिड कैटलिस्ट है, नोट डाउन करो, वैनेडियम पेंटोक्साइड इज अ सॉलिड कैटलिस्ट। और यहां पर SO2 plus O2 ये दोनों गैसेज हैं, इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो गया। अब यहां पर आपको इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि वो फिनोमिना दिखाया था, देखो सबसे पहले ये रहा वेनेडियम पेंटोक्साइड, ये रहा V2O5, ओके सही है, ये उसकी सरफेस है। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों गैसेज आएंगी, सबसे पहले तो SO2 आया, ये देखो आके डिफ्यूज होगा सबसे पहले, तो SO2 आके डिफ्यूज हुआ, फिर O2 आके डिफ्यूज हुआ, सही है, ये SO2 है ये O2 है, डिफ्यूज होने के बाद ये एडजॉर्ब होगा, अभी तो आके डिफ्यूज ही हुआ है, अब डिफ्यूज होने के बाद एडजॉर्ब हो जाएगा, अंदर अंदर चला जाएगा, अंदर ये देखो ये अंदर चले जाएंगे, चले गए, उसके बाद ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अंदर जाने के बाद ये अंदर चले गए तो वो तो हो गया एडजॉर्प्शन, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाएंगे उसी के अंदर ही, ठीक है, इस सरफेस को मुझे यूं नहीं बनाना चाहिए, ध्यान से देखो, उसी के अंदर ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहां पर ही उन्होंने आपस में कंबाइन करके SO3 प्रोडक्ट बना डाला, उस SO3 प्रोडक्ट का होगा डिसॉर्प्शन, मतलब ये ऊपर आ जाएगा और फाइनली ये SO3 भाग जाएगा, इसका मतलब इसका डिफ्यूजन हो गया, सिंपल सी बात है, सबको समझ में आया, सबसे पहले डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बाद एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन के बाद फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन के बाद फुर्र, इट्स काइंड ऑफ हमारे बोलते ना फुर्र, इट्स लाइक फुर्र उड़ गया। सो फाइनली यहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली यहां से निकल लिया, तो मतलब ये निकलता है ओवरऑल, सबको समझ में आ गया। और आप सब लोग ध्यान रखना बच्चों, नीट में एक बार ये कैटलिस्ट पूछा गया है, आपको पूछा गया कि बताओ यहां पर SO3 किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है, यू हैव टू नोट डाउन V2O5, वैनेडियम पेंटोक्साइड इज यूज्ड टू फॉर्म SO3 एंड आफ्टर दैट SO3 इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4 रिएक्टिंग विद वाटर, समझ में आया गया, नाउ दिस इज एग्जांपल, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दैट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, लेकिन आप ध्यान रखना V2O5 इस केस में किस तरह से काम कर रहा है, एज अ टोटली सॉलिड कैटलिस्ट काम कर रहा है। नाउ वी हैव वन मोर वंडरफुल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, अगला एग्जाम्पल देखो कौन सा है, बताओ मुझे अगला एग्जाम्पल कौन सा है, जब आप नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हो, और आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस, जानते हो ना, सब लोगों को पता है यार, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो यहां पर नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है, उस केस में आप कैटलिस्ट यूज करते हो किसको, आयरन को, आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड होबर्स बॉश प्रोसेस, और इन दिस केस Fe जो है वो बेसिकली कैटलिस्ट की तरह काम करता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल नो दिस इज हेट्रोजीनियस, क्यों, क्योंकि Fe सॉलिड है, उस केस में वो गैसेज हैं, तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल हो गया। अब इससे आसान क्या होगा, और लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, सरफेस केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट 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 टॉपिक इन फिजिकल केमिस्ट्री, इसीलिए मैंने इनिशियली नहीं करवाया था क्योंकि बहुत आसान है, समझ में आ गया, सब लोग नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से, नोट डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे चलते हैं फटाफट से। तो यार नोट डाउन कर लिया सबने, कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब यहां पर देख लो N2H2 आर गैसेस, Fe यहां पर सॉलिड है, तो इस केस में यहां पर हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो गया। अब हम चल रहे हैं आगे, अगला टॉपिक लगाओ, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। नाउ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे से सवाल बहुत पूछे गए हैं, सब लोग लिखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, नोट डाउन करो दिस थिंग। हाँ, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर होता है जो कि कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, मतलब बाप बाप के ऊपर दादा, दादा विल हेल्प यू बाप टू यू नो बर्थ द बेटा, दैट्स इट, समझ में आया। तो एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है कैटलिस्ट, एक होता है दादा प्रमोटर, बस। तो दादाजी ने पापा को पैदा किया, पापा जी ने बेटे को पैदा किया, प्रमोटर इज लाइक मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम विल हेल्प यू एफी
will help Fe and then Fe will help nitrogen and hydrogen to make one another beta, that is called ammonia. That's it. समझ में आ गया? So अब हम चलते हैं आगे, अगला लिखो homogeneous and क्या heterogeneous catalyst. सब लोग note down करो, what is the meaning of homogeneous and heterogeneous catalyst, उनमें difference क्या है वो check करना है कि भैया ध्यान दो. homogeneous and heterogeneous catalysis की बात कर रहे हैं, catalyst की नहीं. होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटलाइसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा. अब इसको बड़े ध्यान से आपको नोट डाउन करना है. अब ध्यान से देखो भैया, यहां पर डिफरेंसेस बता रहा हूं, एक एक करके नोट डाउन करते रहना. सबसे पहले हम बढ़िया सी टेबल बनाएंगे. आप देखो मैं कितना बड़ा शक्तिमान हूं कि मैंने टेबल चुटकियों में बना डाली. ये देखो मैंने चुटकी बजाई, यहां पर एक टेबल बन गई होमोजेनस कैटलिस. मैं दूसरी चुटकी बजाऊंगा, इस तरफ हेट्रोजेनस लिखा हुआ आ गया. देखो आपके अरविंद सर शक्तिमान बन गए. सो फाइनली यहां पर वी हैव मेड अ टेबल, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस हमने टेबल बना डाला. ओके सो फाइनली यहां पर होमोजेनस, दिस इज हेट्रोजेनस. अब हमें इनके बीच का डिफरेंस समझना है. सो अब ध्यान लगाओ, ठीक है, अब ध्यान लगाओ. सबसे पहला डिफरेंस देखो, आप कितनी तेजी से लिख रहा हूं. पहला डिफरेंस चेक करो ना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इस केस में जो कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी फेज सेम होती है, देयर इज इन सिंगल फेज और सेम फेज. बट व्हाट अबाउट हेटरोजेनस, उसके अंदर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की जो फेज होती है वो डिफरेंट होती है, दे आर डिफरेंट इन फेजेस. तो आसान है, तो कितना आसान है, देखो ये सिंगल फेज भी होंगे, ये डिफरेंट फेज में होंगे. पहला तो आप चुटकियों में लिख सकते हो यार, जैसे मैंने लिख दिया. अरविंद अरोड़ा के बच्चे भी तो सुपर शक्तिमान है, ठीक है. अब अगला आ जाओ, सेकंड वाला देखो ना. सेकंड वन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया. रिएक्शन अकर इन दी लिक्विड एंड गैसेस फेज ओनली. नोट डाउन करो कि यहां पर होमोजेनस के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो सिर्फ लिक्विड और गैस फेज में ही होती हैं, सॉलिड फेज में नहीं होती हैं. ये नोट डाउन करो. नाउ दिस इज अ सेकंड डिफरेंस, ठीक है. यहां पर जो फेजेस यूज होंगी वो सिर्फ लिक्विड और गैस होंगी, होमोजेनस में सॉलिड फेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता. ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि एक सॉलिड कैटलिस्ट सॉलिड रिएक्टेंट से कैसे रिएक्ट करेगा भाई, वो बहुत इंपॉसिबल सा काम है. तो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिली है. जबकि इन दिस केस ध्यान लगाओ, रिएक्शन डज नॉट अकर. नाउ लुक एट इट, रिएक्शन डज नॉट अकर इन गैस और लिक्विड फेज. रिएक्शन यहां पर गैस और लिक्विड फेज में नहीं होती, बट अकर ऑन दी सरफेस ऑफ सॉलिड. बच्चों यहां पर हमेशा हेट्रोजेनस के केस में आपको सॉलिड सरफेस दिखाई देगा, और एक्चुअली सॉलिड सरफेस पर ही केमिकल रिएक्शन हो रही होगी. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर सॉलिड सरफेस पे रिएक्शन होती है, जबकि यहां पर गैस और लिक्विड में रिएक्शंस होती हैं. अब आ जाओ भैया आगे वाली तीसरी वाली पर्टिकुलर डिफरेंस पर चलते हैं, उसको नोट डाउन करो. इस केस में सबसे पहले हेट्रोजेनस का लिखा गया, क्या यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया पे. क्यों, अब खुद से सोचो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हेट्रोजेनस के केस में रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है या डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे. क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन ही कैटलिस्ट कौन से, सॉलिड कैटलिस्ट में होती है. ये खुद ही सॉलिड कैटलिस्ट में होती है, तो खुद ही सोचो कि इसके सरफेस सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर सरफेस एरिया जो है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा. जैसा कि हमें लैंगब्योर ने बताया था या फ्रूडलिस्ट ने बताया था, लैंगब्योर ने इस चीज को बराबर से लिखा था. सीधी सी बात है, क्योंकि हेट्रोजेनस होता ही सॉलिड पर है, और अगर सॉलिड का सरफेस ही अवेलेबल नहीं है तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी. इसका मतलब यहां पर सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, लेकिन इस केस में कोई सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करती है. द रेट ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ होमोजेनस केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया. यहां पर कोई सरफेस एरिया से लेना देना नहीं है, बाहर में जाए यहां रिएक्शन होगी ही होगी. तो होमोजेनस में सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती, जबकि हेट्रोजेनस में सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है. और ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप लोग ध्यान लगाओ, बहुत आसान है, ठीक है. एक बच्चों एक बात ध्यान से देखो, सब लोग देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना मेरी बात, ध्यान से सुनो, देख रहे हो कि नहीं, ध्यान लगाओ सब लोग, सुन रहे हो ना मेरी बात, यस और नो, यस और नो, यस यस यस. बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, बच्चों ध्यान से सुनना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे जा रहा हूं, ले लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो सो फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं, ठीक है. सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ना. नेक्स्ट स्लाइड, अगले फर्क क्या है जरा उसको देखो. देखो बच्चों मैंने फटाफट से अगली टेबल भी बना डाली और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है, शक्तिमान हो गया हूं मैं, ध्यान लगाओ. सो फाइनली वी हैव अ टेबल, उसमें चौथा डिफरेंस हम लोगों को चेक करना है.
अब चौथा डिफरेंस देखो, बड़ा आसान है, ठीक है। सब देखो फोर्थ डिफरेंस क्या होगा, उसको देखो। दी कैटलिस्ट, ये चौथा डिफरेंस, इस तरफ होमो है, इस तरफ हेटरो है, ध्यान रखना। तो होमोजेनस के केस में जो कैटलिस्ट होता है वो खुद ही डिजोल्व हो जाता है, किसमें, किसमें डिजोल्व हो जाता है, रिएक्टेंट के अंदर, क्योंकि है तो सब लिक्विड और गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो इस चीज को। द कैटलिस्ट डिजोल्व इन टू द गैस फेज और सोल्यूशन, जो कि एक्चुअली आपके रिएक्टिंग मिक्सचर्स होते हैं। ध्यान रखो कि होमोजेनस के केस में हमको पहले से पता है कि ये जो रिएक्शन होती है वो लिक्विड या गैस फेज में होती है। इसका मतलब इस केस में कैटलिस्ट भी या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। तो आप लिक्विड और गैस तो भैया खुद ही मिक्स हो जाएंगे ना सॉल्यूशन के अंदर, नहीं होंगे क्या? मिक्स हो जाते हैं बच्चों, डिजोल्व हो जाते हैं उसके अंदर, सॉल्यूशन में ही चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक तरह से, क्यों? क्योंकि बाद में कैटलिस्ट खुद तो रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन वो डिजोल्व हो चुका है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर आप उसको बाहर निकालना चाहते हो तो आपको यहां पर अलग से फिजिकल मेथड लगाने पड़ेंगे। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बायो कैटलिस्ट भी आगे आएगा, डोंट वरी, लेकिन पहले इसको पढ़ो, इसके बाद ही आएगा। अब ध्यान लगाओ, इस केस में आपका कैटलिस्ट डिजोल्व हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट खुद ही गैस और लिक्विड फेज में है। अगर आपने गैस, सोचो अगर गैस फेज का अगर आपने रिएक्टेंट लिया और गैस ही फेज का अगर आपने कैटलिस्ट ले लिया, और कैटलिस्ट हेल्प जरूर कर रहा है लेकिन वो उसमें मिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों गैसेज है, डिजोल्व हो जाएगा, रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन डिजोल्व हो जाएगा। अब फाइनली आपको ये जो डिजोल्व हुआ उसको अलग तो करना पड़ेगा ना, इसको अलग तो करना पड़ेगा। इसको अलग करने के लिए आपको फिजिकल मेथड लगाने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन दिस केस ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहां पर गैसेस मिक्सचर बन जाता है जिसमें कैटलिस्ट भी होता है और रिएक्टेंट भी होता है, लेकिन इस केस में ऐसा कोई सीन नहीं है। इस केस में कैटलिस्ट डज नॉट डिजोल्व इन द रिएक्टेंट, क्यों? क्योंकि इस केस में जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है भाई, इस केस में कैटलिस्ट सॉलिड होता है, आपकी रिएक्टेंट गैस या लिक्विड होगी, डिजोल्व कैसे हो जाएगा? फाइनली आपस में बचा रह जाएगा। डज नॉट डिजोल्व इन द रिएक्टिंग मिक्सचर, यहां पर रिएक्टिंग मिक्सचर पे एक्चुअली वो डिजोल्व नहीं होता है। अब देखो मजे की बात, पांचवें डिफरेंस पर चलते हैं। चौथा डिफरेंस हमने खत्म कर लिया, ये रहा होमोजेनस के लिए, ये रहा हेट्रोजेनस के लिए। पांचवें डिफरेंस पर आ जाओ, कैटलिस्ट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड। आप खुद ही सोचो, जब अच्छे से डिजोल्व हो गया है तो क्या वो सेपरेट हो पाएगा? भैया ये तो प्रॉब्लम हो गई। एक SO2 गैस, एक NO2 गैस आपस में मिक्स हो गई। अब पंगा ये है कि उन्होंने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन NO2 गैस को अलग कैसे करें, क्योंकि दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो समस्या हो गई। कैटलिस्ट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। भैया ये बहुत बड़ी समस्या है। जो प्रोडक्ट बनेगा, आप खुद ही एग्जांपल देख लो, पीछे वाले एग्जांपल में जाओ, जहां पर आपने SO2 लिया था और O2 लिया था और वहां पर NO गैस लिया था, ऐसे नया प्रोडक्ट आपको बनेगा SO3, वो भी गैस है। गैस गैस मिक्स हो जाएगी, भैया उसको अलग कैसे करोगे? तो लफड़ा हो गया, राड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, उसको अलग कैसे करोगे? तो उसको अलग करने के लिए आपको अलग से मेथड लगाने पड़ेंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हेट्रोजेनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेशन बड़ा आसान है। आपको पता है कि आपने सॉलिड फेज में लिक्विड के अंदर प्लेटिनम को रख दिया, बाहर में बाहर निकाल लो प्लेटिनम को। प्लेटिनम अगर बाहर निकल गया तो वैसे भी आपको जो आपका रिएक्टेंट है वो अलग मिलेगा, प्रोडक्ट आपको अलग मिलेगा, कैटलिस्ट अलग मिल जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही क्या है? V2O5 है ना, वो सॉलिड होता है, उसको बाहर निकाल लो। तो इन दैट केस कैटलिस्ट कैन बी इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्टेंट मिक्सचर और प्रोडक्ट मिक्सचर। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट में से कैटलिस्ट को आसानी से आप अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर अलग नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां पर मिक्स हो जाएगा, और वो हम ऊपर देख के आए क्योंकि वो डिजोल्व हो जाता है। ये समस्या चौथे में पांचवे को रिफ्लेक्ट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छठा पॉइंट पर आ जाओ भैया, छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो लिख डाला, देखो। द होमोजेनसली कैटलाइज रिएक्शन आर फास्टर, बहुत तेजी से हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो भी गैस है। गैसेज में तो वैसे भी मेल मिलाप ज्यादा होगा ना, बहुत आसानी से होमोजेनस है तो आपस में मिक्स हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है तो रिएक्शन भी फास्ट होगी, कोलिजन भी ज्यादा होगा। तो होमोजेनस केमिकल रिएक्शन फास्ट होती हैं, क्योंकि भाई भाई दुश्मन दुश्मन, गैस एक दूसरे दूसरी गैस के मॉलिक्यूल को मारती है, तड़ाप कोलाइड हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गई। लिक्विड लिक्विड आपस में रिएक्ट करेंगे फास्ट, क्योंकि सारा लिक्विड एक दूसरे के लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है। ये सारी चीजें हमने गैसेस स्टेट में भी पढ़ी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम में बाय द वे इसको बोलते हैं एक्टिव मास। लिक्विड लिक्विड का एक्टिव मास सभी होता है जितना आपने लिया, सॉलिड सॉलिड का एक्टिव मास बराबर नहीं होता, उसको वन लेते हैं, ये हमने पढ़ा रखा है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन होती है वो फास्टर होती है, एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन इज लिटिल बिट स्लोवर। एक्चुअली
हेटरोजीनस के केस में जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो बच्चों स्लो होती हैं, हेटरोजीनसली केमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली स्लोवर, ये थोड़ी सी स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप सॉलिड फेज लोगे, अब सॉलिड फेज पड़ी हुई है, मर्जी आएगी तो गैस आएगा इसके ऊपर, मनचली गैस इसके ऊपर आके चिपक जाएगी, मर्जी है उसकी आए नहीं आए। दूसरी बात, सॉलिड का सिर्फ सरफेस है, पूरा तो अवेलेबल है नहीं, तो ये स्लो होगी ना, सिंपल सी बात है। सो यहां पर देखो ये डिफरेंसेस हैं ओवरऑल होमोजेनस एंड हेटरोजेनस कैटालिसिस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम होमोजेनस कैटालिसिस कराते हैं, जब हम हेटरोजेनस कैटालिसिस कराते हैं, दोनों में फर्क होता है। और यहां पर ये फास्टर होती है, स्लोवर होती है, टोटल 6 है। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बहुत मेहनत करेला है इसके ऊपर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, 1 2 3 4 5 टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आज हम लोग कैटलिस्ट की जनरल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं और उसके अलावा एंजाइम्स को देखने वाले हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। सो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको चेक करिएगा, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोकस करिए क्या हो सकता है यहां पे। सो पहले आप मुझे बता दो, हम लोग यहां पर कैटलिस्ट शुरू करने वाले हैं, पीछे के सेशंस आप लोगों ने देख लिए होंगे, प्लीज पहले आप मुझे बता दो कि सिंक्रोनाइज है ना, एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ, आवाज और यू नो ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है कि नहीं है, सिंक्रोनाइज है प्लीज आप इसका आंसर कर दो। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग, ओके थैंक यू सो मच गाइज। सो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यहां पर पढ़ने आते हैं और जो जगह एक्चुअली पढ़ने की होती है, बिलीव मी वहां पर भगवान खुद होते हैं, मतलब आपके और मेरे बीच में देर इज अ गॉड। क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मैं लाइव आ जाता हूं और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, बिलीव मी गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि शायद आज मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगा। ठीक है अनुज सोनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर यू, बहुत बार ऐसा मुझे लगता है मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ऊपर वाला कैसे ना कैसे एक चक्री घुमाता है, पता नहीं क्या करता है, मैं यहाँ पे लाइव आके खड़ा हो जाता हूँ। और एक्चुअली ये क्यों हो रहा है पता है, ये ऐसा नहीं है कि मुझ में हिम्मत है, नहीं, आप लोगों की दुआएं इसमें काम करती हैं। क्योंकि कभी कभार मैं रात को एक कभी कभार दो बज जाता है रात को सोते सोते, तो सुबह मैं उठ ही नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं हर दिन, मैंने कभी मिस नहीं किया, सबसे बढ़िया बात है, मैंने कभी लेक्चर मिस नहीं किया, कभी लाइव सेशन मिस नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली आपके और मेरे बीच में जो कनेक्शन है वो ऊपर वाला सेट कर रहा है, आपका कनेक्शन और मेरा कनेक्शन जो सेट किया है ना वो ऊपर वाले ने सेट किया है, और एक्चुअली ऊपर वाला आप लोगों का ज्यादा भला चाहता है, इसलिए हमेशा मुझे खड़ा कर देता है, बोलता है कि जा भैया लाइव सेशन ले, बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें तुझसे जुड़ी हुई हैं। सो इसलिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, क्योंकि आपके और मेरे बीच में अब भगवान भी है, मतलब मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, सो वी ऑल आर टुगेदर एंड एक्चुअली गॉड इज विद अस, भगवान की यू नो शरण है हमारे पास, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए फटाफट से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है कैटलिस्ट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड और आप चिंता मत करो, किसी ने लिखा पी ब्लॉक डी ब्लॉक के कुछ करवा दो क्वेश्चन, तो उसके लिए मेरे पास प्रिपेयर्ड है सेशंस, बस मेरे को टाइम चाहिए और मैं करवा दूंगा। ठीक है, सो भी ध्यान दो। सो अगला जो टॉपिक है उसको लिखो फटाफट से, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, फटाफट से नोट डाउन करो। और मान लो किसी को अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप एक बार क्या करो, रिफ्रेश कर लो। ओके, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, हम लोग यहां पर कैटलिस्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, हम लोग यहां पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक्चुअल में कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, आप जितना कैटलिस्ट डालते हो वो उतना का उतना वापस से रीजनरेट हो जाता है, जैसे कि यहां पर लिखा है कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक एक पॉइंट जो मैं यहां पर लिख रहा हूं उसके लिए मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, सो सबसे पहले तो कैटलिस्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन में रीजनरेट हो जाता है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो आप देखो यहां पर एग्जांपल के तौर पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी, कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड, सो उसको स्टेटमेंट में हम लोग एग्जांपल के थ्रू कैसे देखेंगे उसको जरा चेक करो। हमको सबको पता है कि रिएक्टेंट, सबसे पहले रिएक्टेंट होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, सबसे पहले वो क्या करता है, कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। फाइनली वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअली फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
प्रोडक्ट में और यहां से कैटलिस्ट बाहर हो जाता है साथ ही के साथ। जरा ध्यान से इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो यहां पे। सबसे पहले रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स आपको प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट को बाहर निकाल देता है। फिर सवाल ये है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक्चुअली कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग गाइस, एक्चुअली वो अनअल्टर्ड आपको मिल जाता है एज इट इज। कैटलिस्ट जो आपने डाला था वैसे ही आपको मिल गया। सो वी कैन से कि यहां पर कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, अपनी शब्दों को बदला जा सकता है वहां पे। क्लियर हो गया? मैं दोबारा समझाता हूं। रिएक्टेंट सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, फाइनली ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वापस प्रोडक्ट और कैटलिस्ट को अलग अलग कर देता है। सो यहां पर कैटलिस्ट आपको रीजनरेट होके मिल जाता है, आप उसको इस वे से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो गया? सो ये फर्स्ट पॉइंट है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, डोंट वरी स्नेहा, आप लेट नहीं हो, फोकस करो। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल गाइस, और उसको आपको देख के समझ जाओगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास SO2 गैस हमने लिया और ये SO2 गैस अगर O2 से रिएक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो यहां पर ये देखिए SO3 बनाएगा, सबको पता है ये बात का। लेकिन यहां पर जब वो SO3 बनाता है तो उस केस में NO2 गैस क्या होती है, एज अ कैटलिस्ट उसको काम में लेते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से समझो, मैं उसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, जरा ध्यान से उसको समझना। ठीक है, सो नाउ फोकस ऑन दिस थिंग कि SO2 गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, SO3 बनाता है, इसके अंदर जो NO2 गैस है, ध्यान से समझना भाई, आएगा समझ में, थोड़ी पेशेंस रखो, इट्स रियली वेरी इजी। मैं दोबारा समझाता हूं, उसका एग्जांपल भी दे रहा हूं। ठीक है, सो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फाइनली वो कॉम्प्लेक्स आपको प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दे देगा। अब ध्यान दो, उसका एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर एक कल का एग्जांपल ही ले लिया कि SO2 गैस O2 से रिएक्ट करेगा और फाइनली SO3 बनाएगा, पर किसकी प्रेजेंस में बनाता है, NO2 गैस की। अब आप देखो, अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे ध्यान से तो वो बहुत आसान है। सबसे पहले तो देखो स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में यहां पर SO2 गैस जो है, ठीक है, स्टेप वन में SO2 गैस जो है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप वन में SO2 गैस NO2 से रिएक्ट करता है, स्टेप वन में SO2 गैस NO2 से रिएक्ट करता है। ठीक है, ध्यान से समझना, और वो क्या बनाता है, देखिए NO2 यहां पर कैटलिस्ट था, SO2 गैस NO2 से रिएक्ट करता है और यहां पर आपको क्या देगा, जरा ध्यान से देखो, एक SO3 का मॉलिक्यूल देंगे और यहां पर साथ ही साथ क्या मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको NO गैस मिलेगा। जरा ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ है, सबसे पहले SO2 ने NO2 से रिएक्ट किया और फाइनली SO3 बना दिया जो आपका प्रोडक्ट था, और फाइनली यहां पर NO मिला। मजे की बात यह कि यहां पर NO2 एक्चुअली कंज्यूम हो चुका है, ध्यान दो यहां पर NO2 कंज्यूम हो चुका है, NO2 कंज्यूम हो चुका है, यानी कैटलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया लेकिन अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, ध्यान दो, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का कंजप्शन तो हुआ ही नहीं, हमने यहां पर ऑक्सीजन भी लिख के रखा हुआ है। तो आप ध्यान दो कि SO2 रिएक्टेड विद NO2 विल गिव यू SO3 प्लस NO, और ये रिएक्शन बैलेंस है आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, आप यहां से दो 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 कैंसिल कर सकते हो, कुछ नहीं किया इसने, एक ऑक्सीजन उसको दे दिया, जब NO2 एक ऑक्सीजन उसको देगा तो ये SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा, खुद NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो मजे की बात, ठीक है, यहां पे सेकंड स्टेप में देखो, वापस ये जो NO है वो क्या कर रहा है, यहां पर O2 से रिएक्ट कर रहा है। अब दूसरा रिएक्टेंट पिक्चर में आया, वापस ये NOO2 से रिएक्ट कर रहा है और फाइनली आपको क्या देगा, यहां पर NO2। अब अगर दोनों स्टेप को अगर आप टोटल कर दोगे, जोड़ दोगे, अगर आपने दोनों स्टेप को जोड़ दिया तो एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि ये NO और ये NO आपस में कैंसिल हो गए, सो दीज आर कैंसल्ड आउट, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब आप इसको जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे और यहां पर NO2 और NO2 आपस में कैंसिल हो गए, देखो जरा ध्यान से, ये NO और NO आपस में कैंसिल हो गए, ये NO2 और NO2 आपस में कैंसिल हो गए और आपको वही रिएक्शन वापस मिल गई। इसका मतलब क्या है, जरा समझो, इसका मतलब यहां पर जो NO2 गैस है वो अनरिएक्टिव रही, या फिर हम लोग कहें कि NO2 गैस एज अ कैटलिस्ट काम कर रही है, वापस आपने वापस से उसको रीजनरेट कर लिया। क्या फाइनल रिएक्शन में आपको NO2 दिख रही है? नहीं, एक्चुअली NO2 ने SO2 से रिएक्ट जरूर किया लेकिन वो NO2 आपको उतना ही मॉलिक्यूल वापस मिल गया जितना मॉलिक्यूल आपने कंज्यूम करवाया था। तो इसको कहते हैं कि यहां पर हमने क्या किया, बेसिकली जो कैटलिस्ट यूज किया था उसको रीजनरेट कर दिया। दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। मैं आपको फिर से बोलता हूं, देखो, रिएक्टेंट कैटलिस्ट से पहले रिएक्ट करेगा, कैटलिस्ट से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद यहां पर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट और कैटलिस्ट को वापस दे देगा। इसका फाइनेस्ट एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है,
SO2 O2 से रिएक्ट करेगा, SO3 बनाएगा, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में होती है। प्रेजेंस किसकी रहेगी? NO2 की। तो इन दैट केस SO2 NO2 से रिएक्ट करेगा, SO3 और NO बनाएगा, फाइनली वो NO ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और NO2 को वापस दे देगा, और एक्चुअली कैटलिस्ट आपका रीजनरेट हो गया। इट्स रियली वेरी सिंपल, समझ में आता है? इट्स रियली वेरी सिंपल, ठीक है? इट्स रियली वेरी सिंपल। तो अब यहां पर हम लोग ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सीख चुके हैं कि भैया कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट क्या है, जरा उसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिससे आप ए से बी बना सकते हो। वी हैव वन मोर केमिकल रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो। ये जो केमिकल रिएक्शन दिख रही है आपको वो रिवर्सिबल है। What I am trying to say is कि A से B बन सकता है तो B से वापस A भी बन सकता है। Now this is a reversible chemical reaction. Now this one is a reversible chemical reaction. मजे की बात है कि अगर आपने reversible chemical reaction में, अगर आपने reversible chemical reaction में catalyst को use किया, तो catalyst कभी भी ये नहीं करता कि partiality करे, नहीं। वो क्या करेगा? वो A से B की speed को भी उतना तेजी से बढ़ाएगा जितना B से A की speed को बढ़ाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? ए से आप बी भी बना सकते हो, बी से ए भी बना सकते हो। मजे की बात यह है कि ए से बी और बी से ए में अगर आपने गलती से कैटलिस्ट डाल दिया तो यह कैटलिस्ट क्या करेगा? ए से बी की जो स्पीड है और जो बी से ए की स्पीड है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, वो दोनों को बढ़ाएगा। अब देखो, ए से बी की रेट अपन मान लेते हैं आर एफ, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी रेट को मान लेते हैं आर बी। अगर आपने कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट कभी पार्शियलिटी नहीं करता, कैटलिस्ट कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता। वो क्या करेगा? वो ए से बी जिस स्पीड से बन रहा है उस स्पीड को तो बढ़ाएगा ही, बी से ए जिस स्पीड से बन रहा है उस स्पीड को भी उतनी तेजी कर देगा, उतने ही स्पीड से बढ़ा देगा। ये सबसे अच्छी बात है। मतलब मान लो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड है 10 और रेट ऑफ बैकवर्ड मान लो किसी पोजिशन पे है 8, तो कैटलिस्ट डालने पे अगर यहां पर 2 से ऐड होगा तो यहां पर भी 2 से ऐड हो जाएगा। ये कैटलिस्ट का इफेक्ट है, कैटलिस्ट बराबर इफेक्ट डालता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता है, इक्वल, वो पार्शियलिटी नहीं करता। समझ में आ गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि रेट ऑफ फॉरवर्ड को, रेट ऑफ बैकवर्ड को वो पैरेलली बढ़ा देगा और इक्वल अमाउंट से बढ़ाएगा। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या ये देख लो, नाउ इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ, यहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट को बढ़ाता है कैटलिस्ट, नीचे लिखा हुआ है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब मजे की बात, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट नहीं करता। अगर आपने इक्विलिब्रियम का अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, कैटलिस्ट डालने पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको इसका मतलब ये समझा देता हूं, जरा समझो भाई। मान लो कि ये आपके पास बीच में ये स्कूल है जिसको आप ये स्कूल जाना चाहते हो। अब देखो, आपका क्या हो सकता है, आप स्कूल इस रास्ते से भी जा सकते हो, आप स्कूल इस रास्ते से भी जा सकते हो। सपोज कि ये आपका घर है, अगर आप अपने घर हो तो स्कूल आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, दिस इज योर होम, YH मतलब योर होम। और ये आपकी मान लो चाची का घर है, नानी का घर है, व्हाटएवर बी दैट, आपके अंकल का घर है, अंकल होम कह देते हैं। अब हो सकता है आप अपने घर हो तो स्कूल जाना है तो आपको ये वाला रास्ता लेना पड़ेगा, और अगर आप अपने अंकल के घर हो और आपको स्कूल जाना है तो आपको ये वाला रास्ता लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, अगर हर दिन आप अगर पैदल जाते हो, ये एक लड़का बना देता हूं, ये बेचारा हर दिन पैदल जाता है, ठीक है? तो उसको, क्योंकि रास्ते एकदम इक्वल है, डिस्टेंस एकदम इक्वल है, चाहे आप अपने घर से जाओ चाहे आप अपने अंकल के घर से जाओ, उसको अभी 10 मिनट लगते हैं पैदल जाने में, 10 मिनट यहां से यहां लगेंगे, अगर अंकल के घर से जाएगा तब भी 10 ही मिनट लगेंगे। अब यह है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहां पर अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट का मतलब पापा ने आपको स्कूटी दिला दी, स्कूटी मतलब एक्टिवा, एक्टिवा इज ए काइंड ऑफ कैटलिस्ट, समझ में आता है? एक्टिवा इज काइंड ऑफ कैटलिस्ट। क्या एक्टिवा दिलाने से आपकी स्कूल की पोजीशन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं। मजे की बात, अगर पापा ने एक्टिवा दिला दी तो आप 2 ही मिनट में पहुंचोगे
अपने घर से भी और दो ही मिनट में पहुंचोगे अपने अंकल के घर से भी। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग। स्कूल आपका कहीं नहीं खिसकने वाला, पापा ने एक्टिवा दिला दी, स्कूल कहीं नहीं खिसकने वाला। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी शिफ्ट नहीं होता, केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी शिफ्ट नहीं होता, आपका स्कूल कभी नहीं खिसकने वाला। ऑल्दो एक्टिवा दिलाने से जहां 10 मिनट लगते थे आपको अपने घर से स्कूल जाने पे, वहां 2 मिनट लगेंगे, अंकल के घर से भी उतने ही 2 ही मिनट लगेंगे। ये सिंपल एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यहां पर कैटलिस्ट कैसे काम कर रहा है। इट्स रियली वेरी सिंपल, इज इट क्लियर? अब इसे आसान तरीके से कोई नहीं समझा सकता आपको। यहां पर एक्टिवा दिलाते एक स्कूल थोड़ी शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका टाइम तो कम लग रहा है, इन दैट केस आपके घर से भी टाइम कम हो जाएगा, अंकल के घर से भी टाइम कम हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्पीड है वो भी कम हो जाए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और चाहे आप रिवर्स में जाओ तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, स्पीड दोनों तरफ से बढ़ेगी एक्टिवा दिलाने से, एक्टिवा दिलाने से स्पीड दोनों तरफ से बढ़ेगी, ठीक है? सो यह ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर ये एग्जांपल है जिसके थ्रू आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हो दैट कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को नहीं चेंज करता है, यानी कि स्कूल आपका वहीं रहेगा। फोकस ऑन दैट, स्कूल आपका वहीं रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। एट द सेम टाइम वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को बराबर तेजी दे देगा, मतलब एक्चुअली फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है? नाउ लुक एट इट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम और शिफ्ट द इक्विलिब्रियम बट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। जैसे कि आपको घर से स्कूल जाने में पहले 10 मिनट लगते थे, अब आपको एक्टिवा दिलाने के बाद 2 ही मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपको हेल्प तो कर ही रहे ना इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने, मतलब स्कूल जल्दी जाने में हेल्प कर रहा है। सो मतलब इसका ये निकलता है, सब लोग नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम यानी कि स्कूल को शिफ्ट नहीं करता, बट स्कूल जाने के लिए जो स्पीड चाहिए एक्चुअली, ठीक है, जो स्कूल जाने के लिए स्पीड चाहिए उसको बढ़ा देगा, उसको इक्विलिब्रियम को यानी कि स्कूल जाने के लिए आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से लिख लो, हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट यू हैव टू फोकस ऑन कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट टू फोकस कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, और इसको आप नोट डाउन करो, इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। ये फलक अली अभी ये भी आएगा, डोंट वरी, क्लियर है? समझ में आ गया, कैटलिस्ट पॉइजन का मतलब होता है वो बढ़ाने की जगह घटा देगा, दैट्स इट, ठीक है? पॉइजन का मतलब होता है इंक्रीज नहीं करेगा, वो डिक्रीज करेगा, बहुत रेयर होते हैं वो एग्जाम्पल। चलो तीसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, तीसरी करेक्टरिस्टिक्स चेक करो। नाउ द थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कोज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कोज कंसीडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल तो आपके स्टमक में है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके स्टमक में है। यहां पर लिखा है कि अगर आपने कैटलिस्ट थोड़ा सा भी यूज किया तो एक्चुअली वो थोड़ा सा अमाउंट भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, पता है आप जो खाना खाते हो, सुबह नाश्ता करते हो, वो नाश्ता अगर आपके पेट में कैटलिस्ट एंजाइम यानी कि बायो कैटलिस्ट अवेलेबल ना हो तो उस खाने को पचने में 30 साल भी लग सकते हैं। ध्यान से समझना, वो जो खाना आप सुबह खाते हो एक्चुअली उसको पचाने का काम हमारे पेट में बायो कैटलिस्ट करते हैं जिनको हम लोग एंजाइम बोलते हैं, समझ में आ गया? और एक्चुअली अगर वहां एंजाइम ना हो तो उसको पचने में 30 साल लगेंगे। मजे की बात, वो एंजाइम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट एंजाइम इज एक्चुअली इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी, और वो थोड़े से क्वांटिटी जो है कैटलिस्ट की वो हमारे पेट में फूड को पचाती है, डाइजेस्ट करती है हमारे पेट में फूड को। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया? अब मतलब क्या है, अगर आपने थोड़ा सा भी अमाउंट डाल दिया
तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंसिडरेबली बढ़ाता है। जैसे कि H2O2 का अगर आप यहां पर डीकम्पोजिशन कराना चाहो तो यू कैन यूज प्लैटिनम। और प्लैटिनम का एक्चुअली पता है कितना अमाउंट, सिर्फ 10^-8 अमाउंट यूज किया जाता है मोल पर लीटर। अब आप देखो कि प्लैटिनम आपने यूज कितना किया, दैट इज 10^-8 मोल पर लीटर यूज किया गाइस। ये प्लैटिनम की कॉन्सेंट्रेशन आपने यूज करी इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक लीटर में 10^-8 मोल ही डाले हैं, एक लीटर में 10^-8 मोल डाले हैं। तो एज यू कैन सी कि यहां पर कितनी स्मॉल क्वांटिटी डाली है। एट द सेम टाइम H2O2 यहां से क्विकली H2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्मॉल अमाउंट भी यहां पर झंडे गाड़ सकता है। एक छोटी सी चुटकी भर आपने जो यहां पर कैटलिस्ट डाला है वो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करो। यहां पर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्डर 10^-8, ठीक है, ऑफ कोलोइडल पीटी। एक्चुअली यहां पर यूज क्या होता है, प्लेटिनम मेटल सीधे यूज नहीं करते, वी यूज कोलोइडल पीटी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा देगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन दैट। ओके, सो आज मैं आप लोगों को इसके साथ एक बात बोलना चाहता हूं। जिंदगी में, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आपको आपके पाथ से हटाएंगे, बट बिलीव इन योरसेल्फ गाइस। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उन पे ध्यान नहीं लगाना है, अपने काम से काम होना चाहिए, ध्यान लगाओ। मेरा मकसद यहां पर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, जो कि इतने बच्चे जो मेरे पे बिलीव करते हैं उनको सिलेबस पूरा करवाना है, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप मुझे डिस्टर्ब करते रहो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उल्टा सीधा लिखते रहते हैं। सो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूं बच्चों, पत्थर फेंकोगे, आज फेंक रहे हो, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो अपने आप हिसाब बराबर करेगा। मैं इतना ही कहता हूं, वो अपने आप हिसाब बराबर करेगा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। वो आपको ऐसी चमाट लगाएगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। समझ में आ गया? मेरे तो सिंपल सी फंडा है, अपन कुछ नहीं करने वाले। दो मुझे गाली, यहां पर एक दो हैं जो सुबह सुबह किसी के कहने पर गाली देने आ जाते हैं, दे आर रब्बिश, कोई फर्क नहीं पड़ता अरविंद अरोड़ा को उससे। ऊपर वाला है, वो अपने आप हिसाब चुकता करेगा, और जिस दिन वो हिसाब चुकता करेगा ना, हालत पतली हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। सो अरविंद अरोड़ा को रोकने से कुछ फायदा नहीं है। सो फाइनली आ जाओ, इसीलिए तो कहते हैं कि लोग यहाँ नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां देते हैं, लेकिन बेचारा वो हमेशा देश के बारे में सोचता रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि जब भी कुछ अच्छा करने जाओ तो वो अच्छा जिसके लिए बुरा हो रहा है उसको दर्द तो होगा ही, ठीक है, उसको दर्द तो होगा ही। ऐसा ही हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, यहां पर हर दिन मैं आके खड़ा हो जाता हूं, और कई लोगों को दर्द होता है, दर्द होगा तो भैया वो लोग उल्टा सीधा काम तो करेंगे ही, ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो, सो अपने आप जिनको दर्द हो रहा है उनका हिसाब चुकता करने के लिए ऊपर भगवान है, वही हिसाब करेगा, चिंता मत करो, बराबर हिसाब होगा, हर चीज का हिसाब होगा, चिंता मत करो, ठीक है। सो ध्यान लगाओ, यहां पर वी हैव थर्ड पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स फॉर द कैटलिस्ट की, अगर आपने थोड़ा सा भी अमाउंट डाल लिया, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी अमाउंट डाल लिया तो वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाएगा, इस केमिकल रिएक्शन को बहुत तेजी से परस्यू करेगा। नाउ दिस इज अ थर्ड पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज यहां पर भी लिखी हुई है, अ मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैटलाइजेस, ठीक है, कैटलिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशन डीकम्पोज 5 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 इन 1 मिनट। नाउ लुक एट इट, नाउ दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बायो के जो स्टूडेंट है वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बायो के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। नाउ लुक एट इट, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैटलाइज, लुक एट इट, एक मॉलिक्यूल एंजाइम का आपकी बॉडी में 5 मिलियन मॉलिक्यूल्स H2O2 को तोड़ देता है, 5 मिलियन H2O2 के मॉलिक्यूल्स एक ही मिनट में तोड़ देता है एक मॉलिक्यूल एंजाइम का। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन दैट, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि छोटा सा है ना, छोटा सा तीर वार करे गंभीर, इट्स लाइक दिस, कि यहां पर जो स्मॉल अमाउंट है वो भयंकर तरीके से यहां पर क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट डाल रहा है। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। अब चौथा पॉइंट क्या है जरा उसको देखो ना, चौथे पॉइंट पर ध्यान देना, नीचे वाली चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ना। द फोर्थ पॉइंट इज, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली कैटलिस्ट करता क्या है,
अगर साइंटिफिकली उसको देखें तो एक्चुअली वो क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है अपनी मंजिल पे जाने के लिए। आसान वाला पाथ क्या हो सकता है उसको प्रोवाइड करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। देखो यहां पर जब आप H2O2 सीधे डिकम्पोज करवाते हो तो वो H2 और O2 में चला जाएगा, लेकिन इस डिकम्पोजिशन में जो एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी खर्च होती है वो है 76 किलो जूल पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एक्चुअल में जब आप H2O2 को सीधे डिकम्पोज करवाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है 76 किलो जूल पर मोल। मतलब यह है कि आपको यहां पर 76 किलो जूल पर मोल के बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेट किए बिना सिर्फ यहां पर चैट में ही लिखते रहोगे तो कैसे समझ में आएगा। यहां मैं देख रहा हूं अभिजीत राज, ये बार बार हर दो कमेंट आते नहीं, तीसरे कमेंट में इसी का कमेंट होता है। भाई कमेंट करने में ही बिजी रहोगे तो समझ में कहां से आएगा। इससे बढ़िया तुम आराम से अपने घर पे पढ़ो, बंद कर दो चैनल को, जाओ, जरूरत नहीं है। अब दो मिनट बाद ही आप कमेंट कर देते हो, आपको अकल नहीं है इतनी भी, थिंक ऑफ इट। नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको बंद कर दो, बाद में देख लेना, इट्स रियली वेरी बैड। अब चैट में बिजी रहोगे, ना मुझे पढ़ाने दोगे ना दूसरों को पढ़ने दोगे, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। अब यहां पर फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, बजाय यहां पर चैट में लिखने के, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा हमेशा कह रहा हूं, यहां पर आओ तो सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूं कि यहां पर आप आ रहे हो पढ़ने के लिए आ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, समझ में आ रहा है। अब ध्यान लगाओ यहां पे, आ जाओ फटाफट से इसको समझते हैं। देखो यहां पर कैटलिस्ट क्या करता है, एक आसान पाथ बना देता है आपके एक्चुअली प्रोडक्ट पे जाने के लिए। उसको मैं समझाता हूं कुछ इस तरीके से। देखो भाई, देखो जरा सोचो कि ये आपका होम है और ये सपोज आपका स्कूल है। अब इसको जाने के लिए सपोज एक रास्ता है, भाई सीधे नहीं जा सकते, सीधी कोई गली नहीं है, मान लो कि ये पाथ है और इस पाथ को क्रॉस करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। अचानक से क्या हुआ, गवर्नमेंट जाग गई और उसने बीच में क्या कर दिया, यहां पर एक सीधा रास्ता बना दिया। ध्यान से समझना, आपके होम से घर जाने के लिए सीधा रास्ता बना दिया। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझो यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर यह हो रहा है कि एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया जिससे एनर्जी कम खर्च हो रही है। मतलब यहां पर स्कूल से होम जाने में यहां पर ऑलमोस्ट 76 किलो जूल एनर्जी खर्च होता था, अब ये ऑल्टरनेट पाथ बना दिया। ये पाथ कौन क्रिएट करके देता है, कैटलिस्ट, एक दूसरा पाथ क्रिएट करके दे देता है। ध्यान से समझना, और उसको मैं ग्राफिकली समझाऊंगा, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दो। अब आप फाइनली अगर यही काम आप किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाओ, ध्यान से इसको देखना, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर कैटलिस्ट सपोज मैंने I- यूज कर लिया, आप आयोडाइड आयन भी यूज कर सकते हो, उस केस में यही एनर्जी कम होके 57 किलो जूल हो जाएगी, यही एनर्जी कम होके 57 किलो जूल हो जाएगी। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कैटलिस्ट क्या करता है, अगर आपने कैटलिस्ट नहीं यूज किया तो वो 76 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इतना बड़ा बैरियर है इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, 76 किलो जूल। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो यही बैरियर कम होके कितना हो जाएगा, ओनली 57 किलो जूल रह जाएगा। मतलब उसने एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर दिया आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। कैटलिस्ट का काम होता है कि एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दे जिससे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आसानी से बना सको। समझ में आ गया, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप इसको अगर और प्रॉपर वे से बनाना चाहो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहो, एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस टाइम, तो प्रॉपरली आपने ग्राफ कुछ ऐसे देखा हुआ है कि जो रिएक्टेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अगर करेक्ट ग्राफ बनाना चाहते हो तो रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब होगा कुछ यूं कि रिएक्टेंट अपनी इस एनर्जी से पहले एनर्जी बढ़ाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करेगा, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक्चुअल ग्राफ ये ऐसे होते हैं, ये आपने देख रखे हैं, ये आपने देख रखे हैं कहां पे, आपकी केमिस्ट्री की बुक में। क्लियर हो गया, आप इसको चाहो तो मत कंसीडर करो, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया आपको। एक्चुअल में ग्राफ ये होते हैं कि रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, फाइनली उसको ये बैरियर क्रॉस करना है अगर उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो।
और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ गया? नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया समझ में? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर कैटलिस्ट क्या करता है? इन दैट केस कैटलिस्ट यहां पर एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, यहां पर एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिससे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चले जाओगे, कम एनर्जी को, कम एक्टिवेशन एनर्जी आपके लिए एक बैरियर होगी। कम मतलब आपको जहां पर 76 किलो जूल एनर्जी लगती थी अब आपको सिर्फ 57 किलो जूल एनर्जी लगेगी। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोग यहां पर ध्यान दो। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे यहां पर मेंशन भी आप चाहो तो अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 एट रूम टेम्परेचर हैपेंस विद एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 76 जूल किलो जूल पर मोल, जो यहां पर लिखी भी है। और व्हेन लिटिल आयोडाइड आयन इज एडेड एज अ कैटलिस्ट द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 अकर विद द रिएक्शन, ठीक है, टू अकर बाय अ डिफरेंट पाथ। Now this is really very important. और एनर्जी कितनी लगती है? That is only 57 किलो जूल पर मोल। मतलब बहुत ही साफ है कि यहां पर कैटलिस्ट एक्चुअली एक डिफरेंट पाथ प्रोवाइड कर देगा जिससे आप आसानी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो विद लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये कैटलिस्ट का एक्चुअल में काम होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कई कह रहे हैं राइबोज का स्ट्रक्चर बताइए, तो यहाँ पर ये जो पूछ रहा है वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, प्लीज एक बार जाके वहां पर चेक कर लो, ठीक है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बायो मॉलिक्यूल पूरा चैप्टर करवा चुका हूं। अब ध्यान लगाओ, ठीक है, अब ध्यान लगाओ, यहां पे ये हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे, कैटलिस्ट का अगला कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक था फोर्थ नंबर वो फिनिश हो चुका है। नाउ विल फोकस ऑन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट इज फिफ्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, एंड दैट इज, ध्यान लगाना, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट एज यूजुअल। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ खुद की एनर्जी होती है। कभी भी कैटलिस्ट उसकी एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को कभी भी इफेक्ट नहीं करता। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अब ध्यान लगाओ, यहां पर एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम ही रहेगी, उसको नहीं बदलेगा, वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? चाहे कैटलाइज्ड हो चाहे अनकैटलाइज्ड हो, हर वे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम ही रहेगी, वो लेवल चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका फिफ्थ पॉइंट था जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। नाउ दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, यहां पर जो लिखा है, इट डज नॉट इफेक्ट द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो ये आपका पांचवा पॉइंट है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब ध्यान लगाना, सिक्स नंबर पॉइंट क्या है, अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करता। जनरली कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करता, वो सिर्फ रेट्स को चेंज करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड उनको चेंज करेगा, वो उनको बढ़ाएगा, कभी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करता, जनरली ऐसा होता है। ओनली एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ दिस पॉइंट इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन मजे की बात, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। However, in the certain cases, the catalyst is found to initiate the chemical reaction. In that case also, जरा ध्यान से इसको देखो, H2 and O2 remains unchanged for 25 degree Celsius. But ध्यान से देखो, अगर आपने H2 और O2 का रिएक्शन करवाने की कोशिश की तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन नहीं होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। समझ में आ गया? बट यहां पर देखो, अगर आपने यहां पर प्लेटिनम वायर डाल दिया, सो इफ प्लेटिनम वायर इज एडेड टू द मिक्सचर द रिएक्शन स्टार्ट इमीडिएटली। बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप इसमें प्लेटिनम का वायर डाल दोगे तुरंत यहां पर रिएक्शन शुरू हो जाएगी एंड द रेट बिकम्स हायर एंड द मिक्सचर एक्सप्लोड्स। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन दैट केस प्लेटिनम का वायर इंट्रोड्यूस करते ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और वहां पर जो मिक्सचर होगा वो एक्सप्लोड कर जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि जनरली कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता,
लेकिन जब भी ऐसा देखो कोई स्टेटमेंट होता है उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है। सो यहां पर हमारे पास एक्सेप्शन है कि H2 और O2 कभी रिएक्ट नहीं करते 25 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन अगर आपने प्लेटिनम वायर इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, अगर आपने प्लेटिनम वायर इंट्रोड्यूस करवा दिया तो डेफिनेटली वो मिक्सचर, ये H2 और O2 आपस में रिएक्ट करेंगे और फाइनली वो मिक्सचर है जो एक्सप्लोड कर जाएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन होते हैं हर जगह पे। तो यहां पर हमने टोटल 6 करेक्टरिस्टिक्स ही वो खत्म कर ली। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, अगला टॉपिक लिखिए फटाफट से, एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस वो हम करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम को समझते हैं। एंजाइम एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि यहां पर मेंशन्ड, आप इसको नोट डाउन कर लो, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिसिस, ठीक है, कैटलिस्ट। एक्चुअली एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और वो भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको एनहेंस करते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कोलोइड्स भी आएंगे, पहला ये कैटलिस्ट खत्म कर लेते हैं। आप जरा ध्यान दो, देर आर सेवरल रिएक्शंस अकर इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और एक्चुअली उनको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ध्यान लगाओ, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और उनको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में हम लोग एंजाइम्स की यूज करते हैं। What are enzymes? As I have said this thing, कि enzymes का मतलब होता है biological catalyst. Actually, biological catalyst को हम लोग enzyme कहते हैं, जो actually हमारी body में होने वाली biochemical reactions की speed को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले example दिया था, ये हमारी body है जिसमें digestion system, अगर आपने एक meal अगर खा लिया है, अगर वो digest करना है तो enzyme के बिना वो digest नहीं हो सकता, 30 साल के करीब उसको लग जाएंगे। इसीलिए हम यहां पर किसको यूज करते हैं, एंजाइम्स को यूज करते हैं। आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल, एंजाइम के कुछ एग्जांपल दूंगा। ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। सबसे बढ़िया बात यह होती है कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। आपको पता है किसी एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक ही स्पेसिफिक एंजाइम यूज होता है। एंजाइम कभी ऐसा नहीं होता कि एक एंजाइम अगर डाइजेस्ट कर रहा है तो वो कुछ बायोलॉजिकल और भी काम कर रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक ताले की चाबी के जैसे होते हैं, जो एक की है वो एक ताले को खोलती है, ठीक है, एक की अगर एक ताले को खोलती है तो वो स्पेसिफिक है। ऐसा ही एंजाइम होता है, एंजाइम भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकली बॉडी के अंदर। आई एम गिविंग यू सम ऑफ द एग्जांपल, उसको आप ध्यान से देखना। बट एंजाइम के केस में एक्चुअली सबसे पहले ये पता हो कि एंजाइम होते क्या है, तो एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स उनके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ध्यान लगाओ, दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एंजाइम क्या है, दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोगों ने बायो मॉलिक्यूल में पढ़ लिया है, समझ में आ गया। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन इन वॉटर। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो कि एक्चुअली यहां पर जो एंजाइम होते हैं वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ओके। और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, और दूसरी बात, अगर आप उनको, वो जो एंजाइम है उनको पानी में डाल दोगे तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं पानी के साथ, जैसे कि स्टार्च बनाता है। आपने कभी अपनी मम्मी को आटा गूंदते देखा होगा, देखा है, मैदा आटा, मैदा आटा जैसे पानी के साथ मिक्स होके जिस तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, एंजाइम भी उसी तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। और कैटलिस्ट के बाद एक्चुअली अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, कोलोइडल सॉल्यूशंस ही हैं। नाउ दैट इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। अब जरा ध्यान दो, दस एंजाइम आर टर्म्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड द फिनोमिना नोन एज बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैटालिसिस। ध्यान से समझो कि एंजाइम को इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दो, एंजाइम को इसी वजह से हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं, और इस फिनोमिना जिसमें ये एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बायोकेमिकल कैटलिसिस के नाम से, इस फिनोमिना को बायोकेमिकल कैटलिसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, बहुत सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, क्लियर है। चलो तो फाइनली अब मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देता हूं,
जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि यहां पर एंजाइम के कौन से एग्जाम्पल है और कौन सी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। एग्जाम्पल देखो, आप सबने एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है केन शुगर का। केन शुगर का जब आप H2O से रिएक्ट करवाते हो तो वो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देगा, ये हम सबको पता है। लेकिन मजे की बात, यहां पर एक इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है। ये इन्वर्टेज एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन को बहुत फास्ट करवा देता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। ये क्यों कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि एक्चुअली केन शुगर यानी कि सुक्रोज PPL को क्लॉकवाइज घुमाता है, तो उसके बाद जो इन्वर्टेज एंजाइम आप यूज करके इनको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। एक्चुअली इसलिए उसको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्योंकि वो PPL की क्लॉकिंग, PPL की जो रोटेशन डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। सो फाइनली केन शुगर वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। इस केस में हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। आप सब लोग इसको ध्यान से लिखो बच्चों, सब लोगों को कह रहा हूं, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करो कि जब आप केन शुगर का यहां पर वाटर से रिएक्ट करवा के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहे होते हैं तो उस केस में इन्वर्टेज एंजाइम एक्चुअली क्या करेगा, उस केस में इन्वर्टेज एंजाइम एक्चुअली कैटलिस्ट की तरह काम करता है और इस रिएक्शन को फास्ट बना देता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि पानी यहां पर एक्चुअली, क्योंकि पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक्चुअली ना के बराबर कंज्यूम हुआ है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कोल्ड व्हाट, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम चलते हैं आगे, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल। आपको ये भी बता देता हूं कि जब आप ग्लूकोज लेते हो C6, ठीक है, यहां पर फॉर्मूला आप सही कर लेना, C6H12O6 है, वो गलती से लिख दिया होगा, यहां पर C6H12O6 इस ग्लूकोज से जब आप इथाइल अल्कोहल बनाओगे, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो इस केस में भी आप जाइमेज एंजाइम का यूज करते हो। नाम लिख लो, ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। इसके लिए ये सवाल भी काफी पूछा जाता है कि अगर आप ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो तो एक्चुअली उस केस में एक बायोलॉजिकल एंजाइम का यूज होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का यूज होता है, और एक्चुअली जिसको हम लोग जाइमेज कहते हैं, जाइमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइमेज बोलते हैं इसको। तो यहां पर देखो, केन शुगर को अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हो तो इन्वर्टेज, उसके बाद इस ग्लूकोज को अगर आप इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जाइमेज एंजाइम का यूज करते हैं। नाउ दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जाइमेज एंजाइम को यूज किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो कि एक्चुअली यहां पर एंजाइम के एग्जाम्पल क्या है और किस तरह से वो प्रोसीड हो रहे हैं, यहां पर लिखे जाएंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ले लीजिए, वन, दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो यहां पर एंजाइम बायोलॉजिकल, देखो हमें भी यहां पर एंजाइम जो है ना वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी बॉडी में हम शुगर कंज्यूम करते हैं और शुगर एक्चुअली एनर्जी का सोर्स भी होता है, पर उस शुगर को डीकम्पोज करते हैं जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, एक्चुअली एनर्जी के सोर्स हैं। इस कन्वर्जन के लिए हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यहां पर जाइमेज एंजाइम का यूज करोगे जब आप ग्लूकोज को कन्वर्ट करोगे इथाइल अल्कोहल में, तो यहां पर जाइमेज एंजाइम का यूज होता है। एंजाइम के नाम याद होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आगे चलते हैं, यहां पर एग्जाम्पल हमने देख लिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, 1, 2, 3 फटाफट से। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूं जहां पर आपको बायोलॉजिकल चेंजेस दिखेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल वो बॉडी में फॉर्म होते हैं। आप सब्जियां क्यों खाते हो, कई बार बोलते हैं ना डॉक्टर डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, हरी सब्जियां खाओ बोलता है ना, तो रीजन क्या होता है, हरी सब्जियां खाने से जो एंजाइम है जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, वो एंजाइम एक्चुअली हमें प्लांट से मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, यहां पर अगर यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड NH2CONH2,
उसका रिएक्शन अगर वाटर से कराओगे तो वो अमोनिया गैस आपको देगा। अब इस केस में आपको अगर ये रिएक्शन फास्ट करवानी है, देखो यहां पर ये यूरिया है, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया और CO2 गैस मिलेगी। यहां से अमोनिया और CO2 गैसे दोनों गैसेज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैसेज है। अगर आप यूरिया से CO2 गैस या फिर यूरिया से अमोनिया गैस बनाना चाहते हो, इन दैट केस आपको यहां पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं यूरिएज। क्या बोलते हैं? यूरिएज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, इनपे से सवाल आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दैट केस यू नीड यूरिएज। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है सब लोगों को? सो अब इसको ध्यान लगाओ कि यूरिया के केस में यूरिएज, समझ में आता है? तो आपको इन्वर्टेज कब यूज करते थे? सुक्रोज के केस में। जाइमेज कब यूज करते थे? ग्लूकोज के केस में। यूरिया के केस में क्या यूज कर रहे हो? यूरिएज। और एक और बायोलॉजिकल चेंज का एग्जांपल आपके पास, आपके घर पे मम्मी क्या करती है? दूध से दही बनाती होगी। घर पे बड़ा कॉमन सा काम है, दूध से दही बनाया जाता है। और दूध से दही बनाने का काम भी एक बायोलॉजिकल चेंज है, एक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है। और इस केस में भी, ठीक है, अब इस केस में भी हम लोग यहां पर एक एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है लैक्टिक बैसिली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अगेन एन एंजाइम जिसको यूज किया जाता है जिससे आप दूध को कर्ड में, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हो। इसको बोलते हैं लैक्टिक बैसिली और बायोलॉजिकल, ठीक है, बैसिलस भी कहते हैं। शिप्रा ने सही लिखा, बहुत बढ़िया। सो इसको लैक्टो यहां पर बैसिलस भी कहते हैं और कई बार इसको लैक्टिक बैसिली भी कह देते हैं। तो ये बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। सो ये जो छोटे छोटे से एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ये कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर है। सो यहां पर हम लोगों ने यहां पर अब क्या कर लिया? एंजाइम को भी खत्म कर लिया। सो फाइनली हम लोगों ने यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली और एंजाइम्स भी खत्म कर लिए हैं। अब यहां पर देखो, ओवरऑल अगर हम लोग कहें कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंड दूसरा हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम एंड मैकेनिज्म बिहाइंड द एंजाइम मैकेनिज्म कैटलिस्ट, उसको देखते हैं। तो यहां पर एंजाइम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, इसकी प्रॉपर्टीज को गौर करो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी एफिशिएंसी, नोट डाउन करो, सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी एफिशिएंसी। दे आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट एंजाइम। इस पूरी यूनिवर्स में अभी तक जितने फाउंड हुए हैं कैटलिस्ट, उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कैटलिस्ट हैं ये एंजाइम्स, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। दीज आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दे इंक्रीज द रेट। अब आप देखो क्यों इतने एफिशिएंट हैं, वो रेट को 10^8 to 10^20 टाइम्स बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन कछुए की चाल से हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन को वो किस स्पीड से करवाते हैं? मोर देन लाइट स्पीड, इतनी स्पीड बढ़ा देते हैं। नाउ फोकस ऑन दिस थिंग कि कोई केमिकल रिएक्शन कछुए के चाल से हो रही है, मतलब कछुआ, अब सोचो कि कछुआ अगर उसको बहुत दूर जाना है तो बहुत टाइम लगेगा, ये उस केमिकल रिएक्शन को 10^8 टाइम्स बढ़ा देगा, मतलब लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड तक वो लेके जा सकता है। नाउ दिस इज रियली वेरी एफिशिएंट, ठीक है। अब ध्यान लगाओ, ठीक है, अब दूसरा, इफ देयर वर नो एंजाइम्स इन अवर डाइजेशन सिस्टम, अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना हो तो जो मील आप कंज्यूम करते हो उसको कंज्यूम होने में, अगर एंजाइम ना हो तो उसको कंज्यूम होने में 50 साल तक लग सकते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखो, स्पेसिफिसिटी। अब ये क्या है स्पेसिफिसिटी? मतलब ये जो एंजाइम होते हैं, बायोलॉजिकल एंजाइम, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये एक स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कि इन्वर्टेज की बात करो तो वो इन्वर्टेज सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाने में काम लगेगा, उसको आप जाइमेज की जगह यूज नहीं कर सकते हो। दे आर रियली वेरी स्पेसिफिक, ईच एंजाइम कैटलिस्ट ओनली वन केमिकल रिएक्शन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन को यहां पर वो प्रोसीड करेगा। जैसे कि यहां पर एग्जांपल लिखा है, एंजाइम यूरिएज कैटलिस्ट ओनली हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। अगर आप यूरिएज को यूज करना चाहते हो तो वहां पर सिर्फ यूरिया का हाइड्रोलिसिस वो करवाएगा, इसके अलावा अगर कोई केमिकल रिएक्शन करवाना चाहोगे तो वो नहीं हो सकती, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। अब आप देखो आगे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी दैट इज स्मॉल क्वांटिटी, इसकी अगेन स्मॉल क्वांटिटी भी लोगे तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन को करवा देगी, और दूसरा ये खुद रीजनरेट हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजे की बात, ये अपने आप को रीजनरेट करते हैं, इस वजह से इसकी स्मॉल क्वांटिटी काम आ जाएगी। चौथे पॉइंट पर देखो, ये वही वाला पॉइंट है जो हमने पहले कैटलिस्ट के लिए पढ़ा है, स्मॉल क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट को देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। सबसे बढ़िया बात जो आप लोगों को नोट डाउन करनी वो ये कि हमारी बॉडी में एंजाइम मोस्ट एफिशिएंटली 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, और पीएच का लेवल जब हमारी बॉडी में 7.4 होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस और 7.4 ये ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर जो आपके बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं प्रॉपरली और मोस्ट एफिशिएंटली काम करते हैं। ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 डिग्री एंड 7.4 पीएच। हमारी बॉडी का पीएच बेसिक होता है, बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच बेसिक होता है, हम सब लोगों को पता है। तो पीएच लेवल बेसिक होता है, और बेसिक लेवल पे आपके एंजाइम बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करने वाली चीजें जिसपे से सीधे सवाल आते हैं। तो ये चार पॉइंट हो गए, अब हम चलते हैं आगे। जैसे कि अब जो मैकेनिज्म है उसको जरा फोकस कर लो, मैकेनिज्म पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, यहां पर देखो ये है एंजाइम, और ये पता है, आप कभी चाबी निकालना ताले से, आपने देखा होगा ताला और चाबी, अगर उन दोनों के आपस में जिस तरह के जॉइंट है वो मैच कर गए तो चाबी चली जाएगी ताले में और उसको खोल देगी, अदरवाइज नहीं खोल पाएगी। एंजाइम भी वैसे होते हैं, देखो एंजाइम में इस तरह से कुछ स्पेसेस बनाए होते हैं, और अगर यहां देखना आप, अगर आपका रिएक्टेंट या जो सबस्ट्रेट है वो उन स्पेसेस में बिल्कुल फिट हो रहा है, इसका मतलब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए बना है। इट्स लाइक ये है ताला, ये है चाबी, ये स्पेसिफिक है एक दूसरे के लिए। होगा कुछ यूं कि दोनों, देखो इसने वैसा ही स्पेस छोड़ के रखा है जैसा कि ये सबस्ट्रेट है, ये घुस जाएगा उसके अंदर, क्लियर होता है। अब देखो फाइनली वो क्या, वो घुस गया, तो यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स है, ये है हमारे पास सबस्ट्रेट, ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें ये एंजाइम है, ये है सबस्ट्रेट, वो घुस गया उसके अंदर, क्योंकि इसके जैसी ही उसके पास क्या थी, जगह थी, स्पेस थी, ऐसा ही स्पेस क्रिएट किया हुआ है। फाइनली यहां से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और फाइनली कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, वो आपका प्रोडक्ट है लेट अस सपोज, और फाइनली कैटलिस्ट आपको वापस से वैसा ही मिल जाएगा जैसा कि इनिशियली था। तो ये टोटल मैकेनिज्म होती है, और दिस इज रियली वेरी स्पेसिफिक कि यहां पर ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, दोनों मिक्स होके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फाइनली यहां से प्रोडक्ट अलग हो जाता है, और एंजाइम आपको वैसे का वैसा ही मिल जाता है जैसा कि इनिशियली आपने लिया था। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, यहां पर ये जो हुक्स बनते हैं, जो यहां पर कॉन्टेक्ट होता है, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, वहां पर रिस्पॉन्सिबल है यहां पर NH2 का एंड सेंटर, या फिर COOH का एंड सेंटर, या फिर SH का एंड सेंटर, या फिर OH का एंड सेंटर, यही बॉन्डिंग बनाते हैं। किसके बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में ये सेंटर्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। नीचे लिखा भी हुआ है, देर आर एक्टिव सेंटर्स ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल्स। यहां पर एंजाइम पार्टिकल के जो सरफेस है उस पर कुछ एक्टिव सेंटर्स होते हैं। दीज कैविटीज आर ऑफ करेक्टरिस्टिक शेप एंड पोजेस एक्टिव ग्रुप सच एज, देखो यहां पर इनकी एक परफेक्ट शेप होती है और वहां पर एक्टिव ग्रुप्स होते हैं जैसे कि NH2, COOH, SH, OH, यही ग्रुप है जो एक्चुअली एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या करेंगे, बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है, तो फटाफट से आप देख लीजिए, फाइनली यहां पर लिखा भी हुआ है, ये ऐसे ही फिट हो जाते हैं जैसे कि किसी लॉक में की फिट होती है, ये ऐसे ही फिट हो जाते हैं। सो फाइनली ये मतलब है इनके मैकेनिज्म का कि यहां पर एक्चुअल में कैटलिस्ट काम कैसे करता है। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एंजाइम वाटर के साथ एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक्चुअली जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो भी यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलोइडल्स। यस ऑफ कोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलोइडल्स। अब हमें कोलोइडल जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ना है। इसके पहले तक हम लोगों ने कैटलिस्ट भी खत्म कर लिया, और फाइनली काफी हद तक 70% चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब सिर्फ एक ही टॉपिक है कोलोइडल, उसके बारे में पढ़ना है, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो अब मुश्किल से हमें एक या दो लेक्चर और चाहिए,
उसमें आपका यहां इसका काम खत्म हो जाएगा। इसके जस्ट बाद मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा है मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो, अच्छा काम करने वालों का साथ बहुत कम लोग देते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैंने ये जर्नी शुरू की थी मार्च से और मैंने कोशिश की और बहुत सारे लोग जुड़े भी और बहुत सारे ऐसे लोग आए भी हैं YouTube पे जो अच्छा पढ़ाने के लिए यहाँ पर बेचारे लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छी चीज़ को गंदा करने में उनको मज़ा आता है। मैं सिर्फ उन बच्चों को कहता हूँ, खैर मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ध्यान नहीं दूँ, लेकिन आज अगर हमने नहीं बोला ना, क्योंकि उनके माँ बाप ने तो उनको बोला नहीं है, दिखता है कि वो कितनी एक्चुअल में जो यहाँ पर बुरे बुरे तरीके से, ना सिर्फ यहाँ, पता नहीं कई लोग तो सिर्फ पैसा लेके लिखते हैं, मुझे मालूम है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के पीछे पड़ी हुई हैं, मैं जानता हूँ। और उन्होंने स्पेशली लगा रखा है कि तुम ना कमेंट सेक्शन में बुरा बुरा लिखा करो। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब जो यूट्यूबर्स हैं जो कि पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर जो कि पढ़ाते हैं उनसे मेरी पर्सनली बात होती है और ये बात बोलते हैं कि आजकल बैड कमेंट्स लिखने वाले लोग बहुत हैं। ये मैं जानता हूं, मैं आप सब लोगों से ये बात बोलता हूं। देखो जैसे यहां पर एक है मेडिकल स्टूडेंट, क्या आपके पापा ने यही सिखाया कि ये जो ये इस तरह से लिखते हैं? और मैं आप सब लोगों को, बच्चों को बोलता हूं कि ऐसे बच्चे यहां पर है ही क्यों, उनको भगाओ यहां से। शेम ऑन योर सेल्फ कि आपके पापा और आपकी मम्मी यही सिखाते कि कहीं कोई पढ़ा रहा हो तो उनके यहां बैड कमेंट करने के लिए आ जाओ। नो, दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग। अगर उनके पापा ने उनको रोक लिया होता और खींच के थप्पड़ मारा होता ना, तो ये लोग कभी यहां दिखते नहीं। शर्म आनी चाहिए कि आपके माँ बाप ये सिखाते हैं कि आप कोई पढ़ा रहा हो और बच्चे पढ़ रहे हो। आप अपने स्कूल में भी यही करते हो क्या कि आपका टीचर पढ़ा रहा हो और जब बच्चे हो साथ में तो वहां पर गाली निकालना शुरू करो, निकाल के देखो थप्पड़ पड़ेगी खींच के, थप्पड़ पड़ेगी खींच के। और आज हमने नहीं बोला तो कौन बोलेगा? और मैंने 10 बार कह दिया, तुम्हारे जैसे नालायक इस चीज को समझ भी नहीं सकते जो यहां पर गलत कमेंट करते हैं यहां पे और दूसरे जगह पे जाके, किसी यूट्यूब के चैनल पे गलत कमेंट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद तो तुम कुछ अच्छा जिंदगी में कर नहीं सकते, जो दूसरे अच्छा कर रहे हैं उनके बीच में यहां पर आके उल्टा सीधा लिखते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? अपने पापा को बोलना कि आज मैं कोई पढ़ा रहा था टीचर, बच्चे पढ़ रहे थे, वहां पर मैं गलत गलत कमेंट लिख रहा था, बोलना एक बार, पापा एक खींच के थप्पड़ देंगे। और मेरे सामने बोल दिया होता ना तो मैं बताता तुम्हें तो मैं क्या हूं। शेम ऑन योर सेल्फ। और मैं सब बच्चों को बोलता हूं कि हमें किसी को टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं जो मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, टॉलरेट करोगे, ठीक है, टॉलरेट करोगे तो लोग ज्यादा परेशान करते हैं, हमको टॉलरेट नहीं करना। मैं सब बच्चों को बोलता हूं, अगर ऐसा कोई एलिमेंट दिखता है, ऐसा कोई एलिमेंट दिखता है, एक तो मुझे मेल करो उसका नाम तुरंत कि सर ये है लोग जो कि बेवजह आके परेशान करते हैं। और दूसरा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों जो आपको नहीं पसंद हो मत आओ ना, हम कह रहे हैं क्या आपको आने के लिए? नहीं कह रहे, मत आओ, आप जाओ ना, जाओ। क्यों क्यों किसी के पैसे लेके किसी और के चैनल पे आके बेकार बेकार चीजें लिखते हो? और मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन करवा रहा है, चिंता मत करो, बट आपको शर्म आनी चाहिए। 2 पैसों के चक्कर में आप कहीं गाली निकालने आ जाते हो सुबह सुबह, शर्म नहीं आती? काम कर लो ना अपना कुछ अच्छा। और मैं सब बच्चों को बोलता हूं, अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है तुरंत एक तो रिपोर्ट करो, दूसरा उसको उसी की भाषा में जवाब दो। और मैं खुद तो मैं करवा ही दूंगा ब्लॉक, वो ब्लॉक तो हमारे यहां पर कोई ना कोई बैठा रहता है ब्लॉक करने के लिए, बट हमें जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की। और जो लोग शर्म नहीं है उनको, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो कहीं और, अपना काम ही कर लो ना बच्चों, पढ़ लो, चार शब्द पढ़ोगे आपको फायदा होगा। ये मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है। और आप एक बात बताओ, यहां पर क्या दिखाते हो आप? अगर कोई टीचर जिसको आप मानते हो, बड़ी अच्छी बात है, आप मानते हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप अगर किसी और को या कोई किसी और को जाके कुछ ऐसे चीज लिखते हो तो क्या वो आपको ये सिखा रहा है क्या? वो आपको ये चीज सिखा रहा है क्या? बहुत गलत बात है। इसलिए आप अपने माँ बाप के साथ बैठो, पहले आपको अपने माँ बाप के साथ बैठ के काउंसलिंग करने की जरूरत है। हर्ष वर्मा ये नहीं चलेगा, मैं पहली बोल रहा हूं। चाहे आप मेरे चैनल पे, आपको किसी को गाली नहीं देनी है मेरे चैनल पे, चाहे दूसरा चैनल हो उसको भी गाली नहीं देनी है, बहुत गलत बात है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मेरे लिए हर एक टीचर जो यहां पर पढ़ाता है, चाहे कहीं भी पढ़ाता है,
मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे नहीं चाहिए, चाहे कोई भी YouTube पे जो टीचर पढ़ा रहे ना, मैं दिल से उनको सल्यूट करता हूं। मेरा कोई भी बच्चा किसी भी जगह पे जाके गाली नहीं लिखेगा। अगर वो अरविंद अरोड़ा से पढ़ा है एक लेक्चर भी, मुझे आप प्रॉमिस करो आप किसी भी चैनल पे जाके गलत चीज कभी नहीं लिखोगे। कोई जरूरत नहीं है हमें। अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और मेरे बच्चे याद रखना बच्चों, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, तुम पढ़ो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो अरविंद अरोड़ा से एक बात सीख लो, ना बुरा करो ना बुरा सुनो, ना बुरा करो ना बुरा सुनो। हमको कहीं किसी चैनल पे जाके गलत लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत लिख रहा है तो उसको जवाब भी हम लोग देंगे। कौन देगा जवाब? हम लोग, हम लोग देंगे जवाब। और सारे के सारे YouTube टीचर जो YouTube पे पढ़ाते हैं, या फिर ऐसे टीचर जो बेचारे YouTube पे नहीं भी पढ़ाते, ऐसे टीचर जो YouTube पे नहीं भी पढ़ाते, कहीं ना कहीं तो किसी बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, मत लिखो उनके लिए कुछ भी। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, किसी को भी पढ़ा रहे हैं इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए हमें किसी को कुछ नहीं कहना है। समझदार बनो बच्चों, ये अपना बचपना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा और एक यही चीज आपको मार डालेगी एक दिन। सामने वाले को तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। सभी टीचर बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, मैं सबको बोलता हूं, चाहे YouTube पे कोई भी टीचर हो, जितने भी टीचर हैं, मेरा बच्चा किसी भी टीचर को जाके गलत नहीं लिखेगा, और ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। और कोई अगर यहां पे फालतू की बातें करता है उसको भगा देना वहां से, तुरंत रिपोर्ट करो, तुरंत मेल पे डाल दो उसका नाम, हम उसको ब्लॉक कर देंगे और उसको उसी की भाषा में जवाब देना है। नेक्स्ट टाइम पे वो दिखने नहीं चाहिए यहां पे, क्योंकि आप सोचो यार, एक यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर हैं यार, मैं रिसेंटली अरविंद सर से मिला था, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, ठीक है, नमो सर हैं यहां पे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं बेचारे, वो अपना वक्त देते हैं, पढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, और आप उनको बदले में ये सब चीजें देते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बहुत सारे टीचर हैं, क्यों लिखते हो? जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं गलत नहीं बोलना उनको, अगर सही नहीं बोल सकते हो तो जाओ ना उनका चैनल बंद करके भैया दूसरा देख लो यार, क्यों परेशान करते हो उनको? हमें कोई जरूरत नहीं है। चलो, सो फाइनली गाइज, डू फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट्स इट। और मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोग अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, और किसी चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये सब चीजें तो हमें कभी लिखनी भी नहीं है किसी भी चैनल पे जाके। और अगर गलती से कोई पंगा ले रहा है, मैं कह रहा हूं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो नहीं करना, सीधे रास्ते पे चलो, सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप जानबूझ के किसी को छेड़ोगे तो फिर कौन सहेगा भाई? हमें जरूरत नहीं है किसी को सहने की। चलो, लव यू ऑल गाइस, अगले वीडियो मिलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, और ये टॉपिक भी एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी एक भारी जो रूम है एक्चुअली बिजी रहता है, अभी फिर से लेक्चर है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स हैं, तो आज हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि 1 आवर का मैंने टाइम लिया हुआ था। चलिए गाइज, अगली वीडियो मिलेंगे, टिल देन लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप लोग अगर सपोर्ट करते रहोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अरोड़ा हमेशा पढ़ाएगा, अपने चैनल पे पढ़ाएगा और सब कुछ करवा के रहेगा, केमिस्ट्री की एक चीज भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो नीट के हिसाब से हो, चाहे वो जेई के हिसाब से हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, सब कुछ पढ़ा देगा, ये सब कुछ पढ़ा देगा, सारा टाइम निकाल के, चाहे आप हो, आपके जूनियर्स हो, सबको मदद करेगा। और कभी भी मेड इजी चैनल पे आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे लेक्चर फ्री में मिलेंगे आपको, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, ठीक है ना? बस आपका ये है कि बस मैं चाहता हूं कि जितना केमिस्ट्री सारा फ्री में अपलोड हो और सब बच्चों को सब मिल जाए, कुछ भी बचे नहीं, और ये आपको, आपके जूनियर्स को, सबको मदद करे, बस इतना चाहता हूं, ताकि किसी को भी बेचारे को ये नहीं देखना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं हो, मैं तैयारी कैसे करूं, मेरा मकसद ये है। और मैं एक एक क्वेश्चन डाल दूंगा, एक एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का सब कुछ डाल दूंगा, मैं ये सोच के बैठा हूं मैं, ठीक है? चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।
ठीक है, बी सपोर्टिव, क्योंकि हम लोग एक रहेंगे। हमारे साथ समस्या यही है, इंडियन हेट इंडियंस, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे साथ। ये खत्म हो जाती तो हमारी कंट्री सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री होती, ठीक है, ये बदलो सबसे पहले। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।